बाइलिंगुअल में बात करूंगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। जहां आप लोगों को इश्यूज आ रहे होंगे ना, दिक्कत होगा समझने में, बताइएगा तो थोड़ा और उस पर एलोबरेशन कर लेंगे। ठीक है, पर्पज ये है इस क्लास का कि जो आप टेस्ट लिख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे पहले अगर एक आपका ओरिएंटेशन हो जाए, एक समझदारी हो जाए कि एक अच्छा आंसर होता क्या है, उसको अप्रोच कैसे करें। यूपीएससी में जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम में जो करंट पैटर्न है, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस जो आपसे पूछ रहे हैं वो विद इन अ टाइम फ्रेम, और जो क्वेश्चंस का नेचर अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हैं? उस क्वेश्चंस के 2, 3, 4 पार्ट्स हैं। कई बार मतलब क्रिटिकली एग्जामिन कहता है तो पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद सजेशंस भी मांग लेता है। तो आपको एक होलिस्टिक तरीके से 7 मिनट के अंदर सारे डायमेंशंस टच करने होते हैं। तो एक अपने आप में चैलेंज है कि कैसे 3 घंटे में सही अप्रोच के साथ सटीक आंसर लिखा जाए। अब इसमें से आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने मेंस भी लिखा होगा, है ना? तो पहले हम लोग थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि आप लोग अपने अनुभव से बताइए कुछ लोगों का विचार कि एक अच्छा आंसर क्या होता है, मतलब एक अच्छे आंसर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। कुछ व्यूज फर्स्टली उसमें जो वर्ड्स दिए हैं क्वेश्चन में उसको इंट्रोडक्शन में एलाबोरेट करना चाहिए, देन जो डिमांड दी गई है उसको फिर इंट्रोडक्शन के बाद में उसको एलाबोरेट करना चाहिए, देन हमें कुछ एग्जांपल उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, एग्जांपल, यस, और कुछ? एंड कंक्लूजन में थोड़ा सजेशन दे सकते हैं। कंक्लूजन में सजेशन, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अगर उससे रिलेटेड है क्वेश्चन से, अगर ऐसा लगता है कि यार टैकिंग हो रही है तो हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कंक्लूजन में। नो सर, देन एग्जांपल एंड, अच्छा यहाँ पर ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स को भी आप एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं, है ना? बात करेंगे इसके ऊपर भी कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स को आप एज एन एग्जांपल सपोर्ट कर सकते हैं अपने आर्गुमेंट्स को फर्दर इनहेंस करने के लिए, ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और आइडियाज, और ए अच्छे आंसर में इनके अलावा और क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? डाटा होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, बताते जाइए। करंटली अटाउंस से रिलेट करना चाहिए, करंट से रिलेट करना चाहिए, और इस पूरे को भर दीजिए। सिस्टमैटिक होना चाहिए पहले, मतलब क्वेश्चन में सिस्टमैटिक ऑर्डर होना चाहिए। पहले एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिए, फिर तो सेशन तो करेगा ही। स्ट्रक्चर जैसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और स्ट्रक्चर, और इसे भी फिर कीवर्ड के हिसाब से लिखना है। कीवर्ड्स और बताइए, अनुभव साझा कीजिए। क्वेश्चन के लास्ट में जो समालोचना करें, टिक नहीं करें या सब लिखा रहता है उसको फोकस करना। हाँ, कीवर्ड्स या टेल वर्ड्स भी कहते हैं उसको। मतलब आपके आंसर का स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा कि क्या जानना चाहता है। एलोबरेट, डिस्कस, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, जस्टिफाई, है ना? ऐसे करके कुछ कुछ वर्ड्स हैं उसके बेसिस पे। और बताइए, सारी चीजें कंटेंट पे बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और? डायग्राम एंड पिक्चर्स, डायग्राम्स, और कुछ? अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा अगर डिफिकल्टी हो रही है उसका ज्यादा अंतर नहीं मालूम है तो उसको कंपैरिजन करके भी हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं। मतलब नहीं आता तो कंपैरिजन कर दें, जैसे एक एग्जांपल कोई दें आप, ठीक है, अच्छा। मतलब सवाल पूछे या ना पूछे लेकिन लिख देंगे हम, ठीक है। जो करना है ट्रूथफुली करना है और सच करना है, मतलब इसलिए नहीं करना है कि कुछ भी लिखना है। ये चीज पहला लाइन तो ये है, ठीक है? आप लोगों ने टॉपर्स का वीडियो और सब कुछ देखा होगा, उसमें क्या है, देखिए, मतलब टॉपर्स बोले या ना बोले ट्रूथफुल तो रहना ही रहना है ना, समझ रहे हैं? मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो वहां वही लिखिए जो आपको आता है और जो उससे रिलेटेड है। अभी इस पे बात करेंगे कि आगे मान लीजिए कि क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स हैं, कई बार उसमें से आपको एक पार्ट आता है, 3 पार्ट नहीं आता है, तो एक ही पार्ट लिखिए ना आप,
थ्री पार्ट्स में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको एकदम श्योर है कि मेरे पास कंटेंट उसके लिए है ही नहीं, तो उसमें अगर कुछ भी लिखेंगे हो सकता है कुछ नेगेटिव उसका इंप्रेशन पड़ जाए, कुछ ऐसा लिखें जो कि जस्ट अपोजिट हो या उससे रिलेटेड ही ना हो, एग्जामिनर पढ़ेगा उसको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही रॉ है, मतलब समझ रहे। और आज के टाइम पे आपका क्या पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक सिस्टमैटिकली वैसी अरेंज है। पहले क्या था, हमारे पास ऑप्शन रहता था कि आप जो बेस्ट आंसर है उसको पहले लिख लीजिए, जो थोड़े कम आते हैं उसको बाद में लिख लीजिए। यहां पर तो सिक्वेंसली अरेंज्ड है। पता चला कि शुरू के 5-6 आंसर्स में ब्लफिंग हो गई, मतलब पूछा कुछ और लिख कुछ और रहे, तो सोचे कि कितना बड़ा डिसास्टर होने की संभावना आप वहां क्रिएट कर दिए अपने लिए, क्योंकि वो इमेज फॉर्मेशन हो सकता है ना आपका शुरू में कि ये स्टूडेंट सिंसियर नहीं है या इसका अप्रोच ठीक नहीं है। तो उसके बाद कम से कम 2-3 आंसर्स तक तो साइकोलॉजिकली कैरी फॉरवर्ड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज बिल्कुल ही मतलब क्लियर हो जाइए कि वहां जो मैं लिखूंगा, जो भी चीजें अगर मुझे पता होंगी वही लिखूंगा, जो चीजें नहीं मालूम होंगी, अगर मान लीजिए कि एक ब्रॉड आइडिया किसी चीज का होता है तो डेफिनेटली कुछ जनरल पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन ना भी मालूम है फिर भी पेज भरना है नहीं करिएगा, ठीक है। सुकरात का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुकरात ने कहा था कि आधा आंसर तो आपने ऐसे ही लिख दिया अगर आपने प्रश्न को ठीक तरीके से समझ लिया। समझ सोच के देखिए कि वो आदमी 2,500 साल पहले उन्होंने ये बात कही कि अगर आपने सवाल को समझ लिया तो आपने आधा उत्तर लिख लिया। तो इसका एसेंस यही है कि अगर आपने सवाल को समझा है तो उसके अनुरूप ही अपने आंसर को फ्रेम करिए, नहीं अगर आता है तो छोड़ने में ही जो है भलाई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस ठीक है, और कुछ सर? होलिस्टिक और एक ब्रॉडर अप्रोच लेके चलता हो, ब्रॉडर अप्रोच और बताइए पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, सहमत हैं आप लोग? पॉइंट्स यूज करना चाहिए, पॉइंट वाइज करना चाहिए, ठीक है। और सर आंसर लिखते समय प्रश्न पर ही केंद्रित रहना चाहिए जो उसमें पूछा गया है, ठीक है, मतलब इधर उधर नहीं, फोकस रहना चाहिए। और अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और कुछ वर्ड लिमिट में रहना चाहिए, लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए, 200 वर्ड्स नहीं तो कहीं ना कहीं सफर कर सकते हैं। और कुछ ग्राफ फ्लो चार्ट ये इसको यहाँ सिमेटिक्स लिख देते हैं, ठीक है। सिमेटिक्स का मतलब होता है उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम्स सारी चीजें, सबको हम लोग अभी स्ट्रक्चर्ड तरीके से बात करेंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिविटी सर मेंटेन करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर किसी ने कहा था ना फोकस रहना चाहिए, फोकस का मतलब ही ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, ये प्रेजेंटेशन में देखेंगे पॉइंट्स है ना। और क्या केस स्टडी, केस स्टडी ठीक है, ये एग्जांपल में ही डाल सकते हैं इसको, है ना, एक प्रकार से एग्जांपल ही है। और कुछ आप लोगों ने सब बता दिया मोर ऑर लेस, ठीक है। अब इसी को थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक्चुअली अप्रोच करना है। देखिए सबसे पहला चीज स्किल समझते हैं आप लोग, स्किल भारत ने स्किल इंडिया मिशन भी मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने शुरू किया है। स्किल का मतलब क्या होता है, क्या होता है स्किल? क्षमता निर्माण, थोड़ा सा एलोबरेट करिए। किसी भी कार्य को करने की क्षमता, ठीक है। तो राइटिंग भी एक कार्य है तो इसकी भी कुछ क्षमता है, मतलब ये भी एक स्किल है, मानते हैं? स्किल क्या एक दिन में मतलब लर्न किया जा सकता है? नहीं। तो क्या राइटिंग अगर स्किल है तो क्या एक दिन में इसको इसको इस पे मतलब कमांड किया जा सकता है? नहीं। समझ रहे हैं?
इसका मतलब है कि राइटिंग अगर स्किल अगर आप मानते हैं तो इसके लिए आपको कॉन्स्टेंट एंडेवर एंड एफर्ट लगाना पड़ेगा इन ए राइट डायरेक्शन. देखिए एक क्लास वन का बच्चा भी कुछ राइटिंग लिखता है, क्लास ट्वेल्थ में भी एक बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशंस देता है तो लिखता है, एक पीएचडी स्कॉलर भी एक पीस ऑफ राइटिंग लिखता है जिसके लिए उसको एक डिग्री अवार्ड होती है. ठीक है, यूपीएससी आपसे एक ग्रेजुएट पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है राइटिंग स्किल्स पे. ठीक है, अब जैसे देखिए पीएचडी का एक जो थीसिस होता है उसका स्ट्रक्चर आपको बताते हैं. इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपके बॉडी में बीच में चैप्टर्स होते हैं जो आप जिस पे रिसर्च कर रहे हैं वो तीन चैप्टर्स पे आपको एक्चुअली में एक रिटन फॉर्मेट में एक थीसिस जमा करनी होती है और फाइनली उसके बाद आपको एक कंक्लूजन लिखना पड़ता है. यानी कि इंट्रोडक्शन अपने आप में एक चैप्टर है और कंक्लूजन अपने आप में एक चैप्टर है. ठीक है, लेकिन यूपीएससी में इतना स्कोप नहीं है कि इंट्रोडक्शन पे चैप्टर लिखा जा सके और कंक्लूजन पे चैप्टर लिखा जा सके, समझ रहे हैं. लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डेफिनेटली एक आंसर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी हमको मानना पड़ेगा, समझ रहे हैं. लेकिन उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि विद इन ए वर्ड लिमिट हम कितना स्कोप हमारे पास है कि इंट्रोडक्शन को दें और कितना कंक्लूजन को दें और कितना इफेक्टिवली वर्ड्स जो है वो अलॉट करें ताकि कंटेंट बेहतर हो, समझ रहे हैं. तो इसका मतलब है कि एक सेट ऑफ स्किल्स राइटिंग के अंदर भी कुछ सेट ऑफ स्किल्स आपसे डिमांड कर रहा है कि आप इस तरीके से अप्रोच करिए आंसर्स को, तब जाके आंसर आपका सटीक और बेहतर होगा. और ये जो वर्ड लिमिट है ना, ये इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आंसर्स को अप्रोच करना है. ठीक है, ये वर्ड लिमिट अपने आप में वर्ड लिमिट नहीं है, ये वर्ड लिमिट अपने आप में टाइम लिमिट है, समझ रहे हैं. कि वर्ड को वर्ड की तरह से नहीं देखिए, वर्ड को टाइम की तरह से देखिए. अगर आप इस वर्ड को एक्सीड करेंगे ना, इससे ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में आपको सफर करना पड़े. ज्यादा लिखने से या ज्यादा टाइम किसी एक आंसर पे देने से 10 नंबर का क्वेश्चन जो है 12 नंबर का क्वेश्चन 15 नंबर का नहीं हो जाएगा. इस चीज को भी ध्यान रखना है, जितना उसका वेटेज है उतना ही रहेगा, उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली टाइम देना है और चीजों को मैनेज करना है. ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर तरीके से राइटिंग स्किल पे चर्चा कर लेंगे, कुछ सवाल भी ले लेंगे हम ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बने कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. देखिए हम लोग जो विजन में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, राइटिंग के ऊपर, तो काफ़ी हम लोगों ने रिसर्च किया और जो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ वो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं. उसमें ये है कि देखिए वर्ल्ड में चाहे जितनी भी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस हो, यूरोप हो, जापान हो, कोई सा भी कंट्री आप ले लीजिए, वहाँ पर जो भी चीज़ें जो राइटिंग स्किल है उसके लिए जो डिटर्मिनेंट्स हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब जगह सेम है. इसका मतलब है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज देयर एज फार एज पैरामीटर्स ऑफ राइटिंग इज कंसर्न्ड. समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ ये? ठीक है, इसका मतलब है कि जो पैरामीटर्स हैं राइटिंग के वो मोर और लेस कॉमन है चाहे आप किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाएं. और इंडिया में जो पैरामीटर्स हैं, चाहे यूएस में जो पैरामीटर्स हैं, जो यूरोप में पैरामीटर्स हैं, मोर और लेस सेम है. बस हमको डिमांड के अनुरूप, जो हमारा डिमांड है उसके हिसाब से थोड़ा उसमें मैनूवरिंग करना है, मतलब उससे थोड़ा खेलना है कि उन्हीं उन चीज़ों को तो ध्यान में रखना है, पर जो एक आपको जो रूल्स डिफाइन कर रहा है यूपीएससी उसके हिसाब से आप उस चीज़ों को ढालना है, बस यही है. तो इसमें यही है कि देखिए लार्जली राइटिंग के अंदर पांच पैरामीटर्स देखा जाता है. ठीक है, पांच जो पैरामीटर्स हैं वो है, पहला कंटेक्स्ट, दूसरा कंटेंट, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा लैंग्वेज, सॉरी इसको प्रेजेंटेशन लिख लीजिए. समझने में दिक्कत तो नहीं आ रहा है? एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंस.
मैंने सिंप्लीफाई किया है, ऐसे 6-7 क्राइटेरिया हैं, लेकिन अगर हम फिट करेंगे तो इस 5 क्राइटेरिया में हो जाएगा, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। क्लासेस लाइव स्ट्रीम भी हो रही हैं और फिर से 2-3 दिनों में सेशन कराएंगे, तो जो ना देख पा रहे हो वो उनके लिए फिर से एक सेशन हो जाएगा। एक एक करके सब पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, राइटिंग स्किल है, ठीक है। अब स्किल में मेरा बस ये कहना है कि ये जो पैरामीटर सब लोग डिस्कस करेंगे, इससे घबराना नहीं है कि यार ये कैसे होगा हमसे, समझ रहे हैं। धीरे 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 आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ टेस्ट लिखिए, 15-20 टेस्ट अगर आप लिख लेंगे ना वहां मेंस एग्जामिनेशन से जाने से पहले, तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि कैसे मुझे इन सब चीजों को अपने आंसर्स में इंकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये डिस्कशन का ये नहीं है कि नेक्स्ट डे या कल आप जो है इसमें एक कमांड हासिल कर लेंगे, इस रास्ते को लेते हुए आप एक जर्नी ट्रेवल करिए, ठीक है, 15-20 टेस्ट का, उसके बाद आप एक मतलब इस पे मास्टरिंग हो जाएगी आपकी। पहला जो है इसमें ये है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट और अलाइनमेंट जनरली मिलता जुलता शब्द है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कंटेक्स्ट ही यूज किया है वर्ड एक। ये कंटेक्स्ट है क्या, क्या समझते हैं कंटेक्स्ट से आप, थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा विस्तार दीजिए। संदर्भ मतलब क्या, क्वेश्चन के वर्तमान से उत्तर क्या है, वर्तमान से संबंध कैसे है और किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन होगा, मान लीजिए कि हिटलर के बारे में सवाल है आपसे, ठीक है, कि हिटलर जो है उसका कंट्रीब्यूशन बताइए या उसकी जो पॉलिसीज थी उसको बताइए, तो वहां पर मान लीजिए कि आप सोचेंगे यार हिटलर तो नहीं पता है, मुसोलिनी पता है हमको, तो शुरू कर दिए मुसोलिनी के बारे में लिखना, समझ रहे। हो सकता है कि आप जो भी मुसोलिनी के बारे में लिखें वो गलत ना हो, कॉन्सेप्चुअली गलत ना हो, समझ रहे, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि मिलता जुलता कई बार क्या होता है कि जैसे एक प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो कई बार लोग प्लेट टेक्टोनिक लिखते लिखते कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट लिखने लगते हैं, समझ रहे हैं। अगर पूछा कि आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए और इसके लिमिटेशंस बताइए, है ना, तो उसमें सोचते हैं कुछ लोग कि यार प्लेट टेक्टोनिक ठीक से नहीं पता है तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट लिख देते हैं थोड़ा, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं पूछा है मान लीजिए, और अगर आप लिखेंगे तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे कहने का मतलब। जैसे मान लीजिए मैं एक आपसे सवाल डिस्कस करता हूं, कल एक क्लास हुई थी उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस पे। सवाल सुनिएगा, अच्छा सवाल है ये, छोटे जोत वाले फैमिली फार्म, ठीक है, छोटे जोत वाले फैमिली फार्म जो कि प्रकृति अनुकूल व गरीबों तथा महिलाओं हेतु सहायक होते हैं, सदाबहार क्रांति को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। मतलब ये सवाल आपसे कह रहा है कि जो छोटे जोत वाले फार्म हैं वो प्रकृति अनुकूल होते हैं, गरीबों के लिए हितकर होते हैं और महिलाओं को एम्पावर करने में मदद करते हैं, और ये जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल है ये सदाबहार क्रांति को जन्म देता है। इस पे आप इसका मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखना है। अब अगर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन को आपने सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन समझ लिया, समझ रहे हैं, और ग्रीन रिवॉल्यूशन मान लीजिए कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का एक डेफिनेशन होगा ना, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की जगह ग्रीन रिवॉल्यूशन लिख दिया और उसके बेसिस पे अगर आप जस्टिफाई करने लगेंगे तो वो आंसर आपका कॉन्टेक्स्ट में नहीं फिट होगा, समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है। इसका मतलब है, इसलिए मैंने सबसे पहले सुकरात का नाम लिया था कि सुकरात ने यही कहा था, उन्होंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि सब आधा आंसर हो जाएगा अगर आप जो है सवाल को समझ गए। देखिए होता क्या है, देखिए एग्जाम में जनरली जो मेरा अनुभव है बच्चों से बात करके और लोगों से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर जो हुआ है, ये है कि एक क्या होता है ना कि जैसे कोई एक सवाल पूछा तो हम सवाल समझने से पहले ही कूद जाते हैं लिखने में, समझ रहे हैं, कि पूछा कुछ और है लिखते कुछ और है। देखिए एक तो हम समझ लें कि सवाल हमसे क्या जानना चाहता है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो हम ये सोचते हैं या ये सोचें उसमें कि अब हमको क्या आता है इसमें, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो आप न्यूट्रल अनबायस तरीके से उस सवाल को समझिए कि अच्छा ये जानना चाहता है, ये जानना चाहता है, ये जानना चाहता है हमसे,
ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में सोच लीजिए आप आराम से कि अच्छा इनमें से मैं ये डायमेंशंस पे लिख सकता हूं। अगर आप सारे डायमेंशंस पे लिख सकते हैं तो अच्छे से लिखिए उस पे, और अगर मान लीजिए कि एक या दो डायमेंशन ही पता है तो उन्हीं दो डायमेंशंस पे आप लिखिए, और जो नहीं आता है उसको आप स्किप करके मूव ऑन करिए। समझ रहे? ये है कॉन्टेक्स्ट का मतलब। क्लियर है? तो सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग आपका है कि कॉन्टेक्स्ट को समझिए और उसके हिसाब से अपने आंसर को अलाइन करिए। ठीक है? ये मेजर मिस्टेक्स होते हैं कई बार शुरुआती दौर में। अगर आप आंसर राइटिंग बिना प्रैक्टिस के जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो ज्यादा संभावना होती है कि ये कॉन्टेक्स्ट में कई बार मिस्टेक्स होते हैं। हम बहुत सेटिस्फाइड होकर आते हैं एग्जामिनेशन हॉल से कि यार सब लिख दिया, ठीक है, लेकिन सब क्या लिखा? जो पूछा था वो लिखा या हमको जो आता था वो लिखा? समझ रहे हैं? तो अपने आंसर को उस कॉन्टेक्स्ट में फिट करके लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है और आज के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आंसर सीक्वेंशियली अरेंज्ड है। आप जो भी लिखेंगे वो अरेंज्ड है। अगर शुरू के तीन चार आंसर्स में पता चला कि पूछा कुछ और लिखा कुछ और, पूछा कुछ और लिखा कुछ और, तो दो तीन आंसर के बाद जो एग्जामिनर है वो भी थोड़ा सा एनॉयड हो जाएगा। उसको भी लगेगा कि यार क्या चल रहा है, पूछ कुछ और रहा है, कुछ और लिख रहा है, ये अपने मन की कहानी चल रही है। समझ रहे हैं? तो ये कॉन्टेक्स्ट का समझदारी होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि जैसे ही आपने कॉन्टेक्स्ट को समझा कि सवाल हमसे ये जानना चाहता है, उसके बाद आपका एक मेंटल आइडिया बनना शुरू हो जाता है कि अब मैं आंसर में ये चीजें लिखूंगा। जैसे ही आप सोचते हैं कि अब ये चीजें मैं लिखूंगा, वो कंटेंट हो जाता है। ठीक है? अब यहां पर फिर से आप अपने थोड़े से विचार बताइए मुझे कि एक अच्छा, देखिए आपका सारा का सारा जो मार्किंग है ना, उसका मेजर वेटेज इस कंटेंट के आसपास ही रिवॉल्व हो रहा है, क्योंकि कुछ भी लिखे तो वो कंटेंट हो गया। ठीक है? तो एक अच्छे आंसर में क्या कंटेंट होना चाहिए या कंटेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो उस आंसर को बेहतर बनाता हो? उर्दू सर कंटेक्स्ट से जुड़ा ही हुआ है। हाँ, कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। कंटेक्स्ट मतलब देखिए, ये फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग है कि सवाल हमसे ये जानना चाहता है। सेकंड लेवल ऑफ स्क्रीनिंग है कि अब हमको ये चीजें आती हैं, ठीक है, किसी एक प्रश्न के अंदर। अब आपको ये सारी चीजें मान लीजिए आती हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई एग्जामिनर किसी को 3 नंबर दे रहा है, किसी को 6 नंबर दे रहा है, तो कुछ तो डिफरेंस देखता होगा वो आंसरों में, तभी उसके कारण इतना नंबर का वेरिएशन होता होगा। तो 6 मार्क्स मिलना, या मान लीजिए कि एक्सीलेंट आंसर्स में, मतलब वो अगर एक्सीलेंट आंसर अगर 6.5 मिल रहा है फॉर एग्जांपल आज के करंट कंटेम्प्रेरी पैटर्न में, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे कि उसको एक अच्छा 6 नंबर का मार्क्स मिला है उस पार्टिकुलर क्वेश्चन में? मैं ये जानना चाहता हूँ। क्वेश्चन के जितने पार्ट होते हैं पर्याप्त वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है? और वर्ड लिमिट में एनालिसिस करना चाहिए, ये एनालिसिस को ही डिकोड करने की जरूरत है। और कंटेंट जो है प्रश्न पे केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट प्रश्न पे केंद्रित होना चाहिए, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि कंटेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। समझ रहे हैं आप? आर्गुमेंट्स, एग्जांपल, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, हाँ, क्या बताए? डीप नॉलेज। ठीक है, मतलब कोई इसमें बुराई नहीं है, डीप नॉलेज होना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट है या किसी थिंकर का कोई विचार है उसे भी। ठीक है, रिपोर्ट्स मेंशन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। ठीक है, एससी का हो जाएगा, लॉ कमीशन का हो जाएगा, सरकारिया कमीशन हो गया। ठीक है, या अगर इकोनॉमिक्स है तो उसमें डिफरेंट कमिटीज के रिपोर्ट्स आप डाल सकते हैं। जैसे रिसेंटली शुगर केन के लिए एक पॉलिसी आई थी, रंगराजन कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, उसको रिकमेंडेशंस को आप कोट कर सकते हैं। तो है, इसका मतलब है कि एक बेहतरीन कंटेंट जो होता है ना, उसमें दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए। एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव के सेंस में कि जो आर्गुमेंट्स आप बिल्ड कर रहे हैं ना, वो करंट या कंटेम्प्रेरी टाइम से अलाइंड होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए खप पंचायत है, किसी टाइम पे वो जो था जस्टिफाइड था 200-300 साल पहले, लेकिन उस आइडिया 200-300 साल आइडिया को लेके अगर आप आज जस्टिफाई करेंगे तो आप उस जो कंटेम्प्रेरी रियलिटी है उससे अलाइन नहीं कर रहे हैं। आपके रीजंस और रियलिटी जस्टिफाइड हो सकते हैं उस पार्टिकुलर कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आज के टाइम पे नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जो मॉडर्न टाइम्स की रियलिटीज हैं उसके हिसाब से आपको अपने आर्गुमेंट्स को रैशनलाइज करना है, बिल्ड करना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसका मतलब है
कि एक कंटेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पार्ट होगा वो रीजंस एंड आर्गुमेंट्स होंगे. देखिए कोई भी सवाल होगा उसके कुछ कारण होंगे. प्लेट अगर मूव कर रहा है तो उसके भी कुछ कारण होंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो उसको करने के लिए कुछ आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो रीजंस एंड रैशनैलिटी कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ये होगा. पेरिस कॉन्फ्रेंस में कुछ रिजल्ट्स आए, कुछ उसके आउटकम्स आए, तो वो आउटकम्स ऐसे हैफेजार्ड तो नहीं है. डिबेट नेगोशिएशंस के बाद कुछ बिल्ड हुआ और उसका कुछ नियर फ्यूचर में इंपैक्ट होने जा रहा है, तो उसके रीजंस रैशनैलिटी के बेसिस पे ही है ना, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि कंटेंट के अंदर जो आप जो भी आर्गुमेंट्स आप बिल्ड करें वहां लिखें वो जस्टिफाइड होना चाहिए रीजंस और रैशनैलिटी के साथ. एक चीज है. अब दूसरी बात, जो भी आर्गुमेंट्स आप बिल्ड करेंगे वहां पर, ठीक है, उसको सपोर्ट देने की भी जरूरत पड़ेगी. क्योंकि देखिए ये एग्जाम जो है ना ये कोई थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है. एक आपसे एक एज ए ब्यूरोक्रेट जानना चाहता है कि जो थ्योरीज हैं जो या ऐसी चीजें जो कि थोड़ी सी कह सकते हैं कि एकेडमिक नेचर की हैं, उसको क्या आप प्रैक्टिकल रियलिटी से जोड़ के देख के समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं. तो इसका मतलब है कि जो भी रीजंस आर्गुमेंट्स हैं उसको कंटेम्प्रेरी रियलिटी से जोड़ के आपको पेश करना है. अब कंटेम्प्रेरी रियलिटी का मतलब है यहां पर एग्जांपल्स. सिंपल भाषा में अगर कहें तो एग्जांपल्स, देखिए एग्जांपल्स के नेचर अलग अलग हो सकते हैं. अगर इकोनॉमिक्स हैं तो कुछ फैक्ट्स वहां पर आप डाल सकते हैं, ठीक है. जैसे सेक्स रेशियो के बारे में पूछा कि रीजंस बताइए कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहां चाइल्ड सेक्स रेशियो क्यों कम हो रहा है, ठीक है. तो आप आर्गुमेंट्स बता रहे हैं. एट द सेम टाइम अगर आपको हरियाणा और पंजाब का चाइल्ड सेक्स रेशियो पता हो और वहां आप कोट कर देंगे तो फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि यहां पर इसके रीजन ये है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, चाहे वुमेन का जो है यहां पर जो इकोनॉमिक सिस्टम है लार्जली एग्रेरियन है और एग्रेरियन में पैट्रियार्कल सिस्टम ही एग्जिस्ट करता है. एज सच चाइल्ड सेक्स रेशियो इज वेरी लो फॉर एग्जाम्पल इन हरियाणा एंड पंजाब, और उसका कोट कर दिए जो भी उसका फिगर हो, समझ रहे. तो वहां पर आपके आर्गुमेंट्स को एक सपोर्ट मिल गया फैक्ट्स का, ठीक है. सिमिलरली अगर जीडीपी के बारे में इनइक्वालिटी या ग्रोथ के बारे में बात हो रही हो और अगर आपको पता हो कि देर इज ए मतलब एक डिवाइड बिटवीन भारत एंड इंडिया, है ना, इंडिया और भारत के बीच में एक डिफरेंसेस है, पर कैपिटा इनकम भी ले सकते हैं, मतलब आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी ले सकते हैं, सोशल इंडिकेटर्स भी ले सकते हैं, लिटरेसी रेट ले सकते हैं, पर कैपिटा इनकम ले सकते हैं, या जो एसेट्स हैं उसके कुछ डेटा हो तो वो ले सकते हैं, काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है. तो कहने का मतलब है कुछ फैक्ट्स ले सकते हैं आप. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं फैक्ट्स के अलावा, ज्योग्राफी के अगर मान लीजिए टॉपिक्स हों, अगर ज्योग्राफी के टॉपिक्स हों तो स्पेशल एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. स्पेशल का मतलब होता है स्पेशल मतलब कहा जाए कि जो स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको. जैसे मान लीजिए सवाल आ जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, संपोषित सतत विकास मान लीजिए, ठीक है. सवाल आ जाए कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं और भारत में क्या सतत विकास के कुछ एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर है तो उसको आप उस पर चर्चा कीजिए, ठीक है. मान लीजिए सवाल है बहुत सिंपल सा, तो आप सतत विकास समझाएंगे सबसे पहले क्या होता है, सतत विकास का डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले कब डिफाइन किया गया था, ऐसे ही ऑब्जेक्टिवली पूछ रहा हूं. श्योर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले उसी समय डिफाइन किया गया था, अर्थ समिट में डिफाइन 1992 ये बोल रहे हैं ना, 1992 अर्थ समिट 87 में कौन सा रिपोर्ट था, बर्टलैंड कमीशन ने सबसे पहले बोला था सतत विकास ये होता है, और उन्होंने कहा था कि मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, आज की जो जनरेशन है उसके नीड को पूरा करना, एट द सेम टाइम जो भविष्य के जनरेशन है उनके भी नीड्स को सेफगार्ड करना, यही सतत विकास है, ठीक है. अब इसके लिए आपको अगर सतत विकास को अगर अचीव करना है तो क्या इसमें इकोनॉमिक डायमेंशन ही होंगे कि सोशल डायमेंशन भी होंगे, है ना. इकोनॉमिक डायमेंशन सोशल डायमेंशन के अलावा इकोलॉजिकल डायमेंशन भी तो होगा. अगर ये तीनों के बीच में जब समाह मतलब ये जब तीनों क्रॉस मतलब एक प्रकार से इकोनॉमिक सोशल इकोलॉजिकल ये तीनों जहां मीट करेंगे वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, समझ रहे हैं. अब मान लीजिए आपने सोशल जो है एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट का बताया, ये बताया, ये बताया, अब इसमें अगर एग्जांपल्स डाल दें, मान लीजिए कि किसी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत बेहतर तरीके से ऐसे समझा दिया, तो कॉन्सेप्चुअली ही इज वेरी करेक्ट, उसके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे. लेकिन एक स्टूडेंट एक स्टेप आगे निकला और उसने दो चार एग्जाम्पल्स ढूंढ लिए, ठीक है,
अन्ना हजारे कहाँ से थे? अभी वहाँ क्या सूखा पड़ा हुआ है ना? उनका रिपोर्ट पढ़ा कि उनके गांव की क्या स्थिति है अभी? हाँ, वहाँ भी पानी मंगाया जा रहा है। आउट माइग्रेशन हुआ है क्या? अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक ही करते हैं। रालेगांव सिद्धि आपको पता है किसमें आता है? विदर्भा या मराठवाड़ा रीजन में आता है? महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में एक रीजन है ना, चार पांच रीजन हैं, तो उसमें विदर्भ रीजन है, मराठवाड़ा है। किस रीजन में आता है? मराठवाड़ा। श्योर है? जाके देखिएगा, ठीक है, एक बार। मराठवाड़ा रीजन ही है। देखिए, 60s में इन्होंने क्या किया था, मतलब मैं आपको दो लाइन में लिखना है, मैं थोड़ा सा कहानी बता देता हूं उसके ऊपर। ये है कि 60s में इन्होंने, जब ये रिटायर होके आर्मी से वापस गए, तो इन्होंने देखा कि गांव से आउट माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, लिक्वर का प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, बच्चियां जो हैं वो स्कूल में नहीं जा रही हैं, मतलब तमाम तरह के सोशल प्रॉब्लम्स इन्होंने देखे। इन सब सोशल प्रॉब्लम्स के जड़ में इन्होंने देखा कि जो गांव के जो रिसोर्सेज हैं वो ठीक तरह से यूज नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, जो गांव में जमीन था और गांव में जो पानी था अवेलेबल, इन दोनों को बोला कि अच्छे तरीके से हम यूज करेंगे, मतलब लैंड और वाटर सस्टेनेबिलिटी पे इन्होंने फोकस किया। गांव के चारों तरफ तालाब खुदवाए, चेक डैम्स बनवाए, ठीक है, और वहां के एग्रीकल्चर के हिसाब से, जैसे मराठवाड़ा क्या है, मेजर प्रॉब्लम कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो ड्रॉट पड़ रहा है ना, वो लार्जली मैनमेड डिजास्टर है, क्योंकि ये जो रीजन है वो शुगर केन कल्टिवेशन के लिए, समझ रहे हैं, लातूर से लेके पूरा वो मराठवाड़ा वाला रीजन क्या है कि जो भी वहां की पॉलिटिक्स है उसके लिए वो वहां पर शुगर लार्जली कल्टीवेट कर रहे हैं। लेकिन शुगर कल्टीवेशन के लिए कम से कम आपको एवव 100 सेंटीमीटर जो आइसो हाइट होता है ना एक लाइन, तो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले क्षेत्रों में शुगर केन कल्टीवेशन होना चाहिए। लेकिन ये तो 75 सेंटीमीटर से भी कम सेमी एरिड एरिया है वहां आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है ना। तो इन्होंने वैसी कोई प्रैक्टिसेस, वहां के जो क्रॉप्स हैं, जो भी क्लाइमेटोलॉजिकल क्रॉप्स हैं उस रीजन के हिसाब से, वैसे क्रॉप्स को इन्होंने प्रमोट किया। और दूसरा, वाटर को बढ़ाने के लिए उन्होंने छोटे छोटे तालाब और चेक डैम्स बनवाए। देखिए, उसका असर क्या हुआ कि छोटे तालाब और चेक डैम्स बनाने से पानी धीरे धीरे स्टोर होने लगा, ठीक है, एक तो वो, और दूसरा, धीरे धीरे जो भी पानी आपका बारिश हुआ, एक तो वो फ्लो करके चला जाता उस जो भी विलेज में हुआ, और दूसरा, ये सब बनाने से, चेक डैम्स का मतलब होता है कि एक वॉल सा बना दिए और पीछे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इससे धीरे 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 पानी नीचे रिसता गया और धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया, समझ रहे हैं? तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ने से वहां के कभी भी जो कुएं हुए उन्होंने, जो गांव वाले उन्हें खोदा था, वो कभी सूखा ही नहीं। तो कभी वहां सूखे का प्रॉब्लम 60s के बाद लार्जली फेस नहीं किया, बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस। ये उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल था, जिसको फिर बाद में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने पिक किया, उसके ऊपर स्टडी किया और उसको रेप्लिकेट करने का कोशिश किया विश्व में अलग अलग जगह पे, मतलब भारत में अलग अलग जगह पे। जैसे कि एक मॉडल राजेंद्र सिंह का है इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। राजेंद्र सिंह का नाम सुना है आपने? वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आप समझ रहे हैं? देखिए, सारा अगर आप पानी और जमीन, इन दोनों को अगर आपने जोड़ लिया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ग्राउंड तैयार कर दिया आपने। उसके बाद तो सोशल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं आपको, समझ रहे हैं? फिजिकल एसेट्स को अगर मैनेज कर लिया, तो सोशल एसेट्स को मैनेज करना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन द थिंग इज दैट कि हमारे जो फिजिकल एसेट्स हैं उसको हम ठीक से मैनेज नहीं करते, मिसयूज करते हैं, समझ रहे हैं? आज के टाइम पे अंडरग्राउंड वाटर अगर टेबल नीचे जा रहा है या पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसका रीजन क्या है? अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दैट्स व्हाई ग्रीन रिवॉल्यूशन से एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही है ना, कि हमको ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं चाहिए, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, जिसमें जो है क्लाइमेटोलॉजिकली एक्सेप्टेबल क्रॉप ही ग्रो करें। तो यहां पर अगर आप ऐसे एग्जाम्पल्स कोट कर लें, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर आपको ये बात ध्यान में आ जाए, राजेंद्र सिंह ध्यान में आ जाए, चाहे आपको राजेंद्र सिंह ध्यान में आ जाए, चाहे ये क्या नाम है इनका, अन्ना हजारे, अगर इनका कोई भी मॉडल आ जाए, तो आप बस थोड़ा सा लिख दें अमरावती डिस्ट्रिक्ट लिख दें और ये चीज मेंशन कर दें, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इनको कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड है और एट द सेम टाइम इनको ये भी पता है कि ग्राउंड में कैसे ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ये दोनों याद ना आए, कोई और ही व्यक्ति याद आ जाए, गांधी जी ही याद आ जाए वहां पर, तो गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहा था, अर्थ हैज एनफ टू मीट एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। ये भी तो सतत विकास ही है कि अर्थ के पास इतना है कि आप सब लोगों की जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन
आपकी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता है, ये भी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो यहां पर आपने गांधी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ दिया, चाहे ये दो एग्जांपल्स कोई सा भी डालिए तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं इतना आपको एक्सप्लेन एलोबरेट किया ये इसलिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को अप्रोच करें तो साथ में सोचते भी रहें कुछ एग्जांपल है क्या मेरे पास, इस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं क्या। और पेपर टू और पेपर थ्री इसमें आपको ढेरों एग्जांपल्स मिलेंगे बेसिकली बिकॉज नेचर डायनामिक है, पेपर टू और पेपर थ्री का नेचर पूरा डायनामिक है ना। तो इसमें आप हमेशा न्यूज़पेपर्स रीडिंग्स में रहते हैं तो आपके पास एम्पल एग्जांपल्स होंगे। द ओनली थिंग इज दैट कि हम अप्रोच करते समय वहां एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्रोच करते समय इस डायमेंशन से भी सोच रहे होते हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। तो अगर ये एक इस तरीके से स्प्लिट करके आप सोचते रहेंगे कि आर्गुमेंट्स हैं कुछ एग्जांपल्स हैं क्या, तो बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा तो एग्जांपल्स आ जाएंगे वहां पर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट कोई सवाल बताइए कुछ अगर पूछना है यहां तक, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, वही जो अभी मैंने पूछा था, उसमें आप लोग थोड़े अपने व्यूज दीजिए ताकि आप बता सके, देखिए कि कंटेंट कैसे वेरी करता है, एग्जांपल्स कैसे वेरी करते हैं। हाँ बात करें, इंटरैक्टिव कर लेते हैं थोड़ा, है ना, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं आप बता नहीं रहे तो बेहतर है कि मैं ही पूछ लेता हूं अच्छे से। छोटे जोत वाले फैमिली फार्म जो कि प्रकृति अनुकूल व गरीबों तथा महिलाओं हेतु सहायक होते हैं, सदाबहार क्रांति को बढ़ावा दे सकते हैं, ये जो सवाल है इसमें आप क्या लिखेंगे? सवाल लिख दूं क्या? क्लियर हुआ? छोटे जोत वाले फैमिली फार्म जो कि प्रकृति अनुकूल गरीबों तथा महिलाओं हेतु सहायक होते हैं, सदाबहार क्रांति को बढ़ावा दे सकते हैं। अब बताइए इस आंसर में क्या कंटेंट लिखना चाहिए, मतलब कैसे अप्रोच करेंगे? आप डिटेल में डिस्कस मत करिए, एक मोटा मोटा अप्रोच कि क्या क्या लिखेंगे तो ये आंसर अच्छा आंसर हो जाएगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल सही है, सदाबहार क्रांति समझा दिए, फिर उसके बाद ये बता सकते हैं जनता, हाँ ये छोटे खेत मतलब महिलाओं के लिए या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कैसे मतलब सपोर्ट करेगा इसको, जैसे कि महिलाओं के लिए बता सकते हैं जस्टिफिकेशन सोचिएगा कि बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे ना तो फेमिनिस्ट आपको पकड़ लेंगे, वो कहेंगे कि यार बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं क्या, ये गलत आर्गुमेंट आप दे रहे हैं, समझ रहे हैं। ये मत कहिए कि बाहर जाके काम, अगर इस टाइप की लैंग्वेज मतलब आप खुद थोड़ी देर सोच के देखिए कि बाहर जाके काम नहीं कर सकती है, ये आर्गुमेंट से ये आंसर जस्टिफाइड नहीं होगा, तभी मैं कह रहा हूं। और छोटे आकार के समूह में रोजगार की संभावना ज्यादा होती है, अब ये देखिए ये एक अच्छा आर्गुमेंट है कि छोटे जोत में रोजगार की संभावना, क्योंकि फैमिली फार्म है तो फैमिली के सभी लोग उसमें काम कर सकते हैं, द थिंग ओनली थिंग इज दैट कि आपको इसको प्रॉफिटेबल बनाना है। सर ये भी बोल सकते हैं कि भारतीय कृषि मशीनीकरण का अभाव है, महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, ठीक है, ये मशीनीकरण वाला ठीक है। महिलाओं के बारे में बताइए तो पहले दो चार पॉइंट और, महिलाओं के लिए कैसे सदाबहार क्रांति एक सपोर्ट की तरह हो सकता है? इसमें स्किल का भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए महिलाओं को लगा दो। ये यार ऐसा मत करिएगा वहां। ये तो गलत आर्गुमेंट है यार। और तभी मैं कह रहा हूं कि जब वहां जो आप आर्गुमेंट्स बिल्ड करेंगे ना वो जस्टिफाइड होना चाहिए कंटेम्पररी टाइम से, हमको लगता है कि हमने लिख दिया है, लेकिन आप थोड़ी देर बैक ऑफ द माइंड सोचेंगे ना तो लगेगा कि बहुत सारे आइडियाज रिग्रेसिव हैं, आज के टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं वो। तभी मैंने बोला कि पहले वुमेन पे ही बात कर लेते हैं। और हाँ एक एडिशनल इनकम वाला बात कर सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली इंपावर हो रही है एडिशनल इनकम। देखिए ये बात भी सही है, अब सही बोले कि बाहर निकलेंगे तो सोशल एम्पावरमेंट, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में से बढ़ेगा उनका, तो सोशल एम्पावरमेंट। और कुछ हो सकता है? शिक्षा में सर महिलाओं को, ठीक है मान लीजिए। देखिए ये भी ध्यान रखना है, यहां एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास मान लीजिए कि 6 पॉइंट्स हैं,
किसी एक टॉपिक के बारे में, तो सबसे पहले देखिएगा कि सबसे रेलेवेंट, उनसे जो सबसे डायरेक्टली लिंक्ड पॉइंट है ना, उसको सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है? समझ रहे हैं? कई बार क्या होता है कि मतलब जिसको कहते हैं प्रायोरिटाइज करना, कि अपने आइडियाज को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है? और बताइए और कुछ पॉइंट्स? सर, फ्रॉम की कम आवश्यकता, महिलाओं के पार्टिसिपेशन से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और कुछ? देखिए यही आर्गुमेंट्स हैं मेनली। देखिए पर्यावरण के ठीक है, वो तो है पर्यावरण के अनुकूल, तो उसके लिए पर्यावरण वाला एक पॉइंट है ना, प्रकृति अनुकूल, तो उसमें डालेंगे उसको। कृषि लागत कम आएगी, ठीक है? और मतलब मैं अभी एक स्पेसिफिकली महिलाओं से रिलेटेड पूछ रहा हूं। देखिए इसमें तीन डायमेंशन है ना, छोटे जोत वाले फैमिली फार्म में तीन चीजें पूछा है इसने, प्रकृति अनुकूल पूछा है, गरीबों के लिए हितकर है, और महिलाओं के लिए अनुकूल है। तीन चीजें पूछा है ना, तो देखिए महिलाओं के बारे में आपको दो तीन ही पॉइंट लिखना है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए 73rd 74th अमेंडमेंट है, काफी है, 33% से 50% के आसपास हो गया है बहुत सारे स्टेट्स में, तो उस फ्रंट पे तो काम हो रहा है, समझ रहे हैं? यहां पर लार्जली आपको इकोनॉमिक और सोशल डोमेन्स में बात करना है, ठीक है? उसमें क्या करेंगे आप? देखिए छोटे जोत वाले फैमिली फार्म की बात है ना इसमें, तो एक इसमें देखिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे होगा, क्योंकि इनका वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, मतलब वर्क फोर्स में इनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, एज सच ये इनकम अर्न करेंगी, प्लस ये जो लैंड है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें जमीन के अलावा एनिमल हस्बेंड्री भी तो हो सकता है ना, मुर्गी पालन हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है, मिल्क वाला जो पार्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लार्जली इन्हीं पर फोकस कर रहे हैं ना, SHGs जो हैं वो लार्जली इन्हीं सब वर्क्स में फोकस कर रहे हैं, अगर ध्यान दें, अगर पढ़े हो आप इवोल्यूशन उसका, तो क्रेडिट फैसिलिटीज लार्जली इन्हीं सब एरियाज में दी जा रही हैं। तो मान लीजिए कि मिल्क है फॉर एग्जांपल, चाहे आपको पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री को क्या मुर्गी पालन और सब चीज, तो वो एक एडिशनल इनकम भी तो जनरेट कर रहा है ना, तो इस तरीके से इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है। मतलब ज्यादा स्कोप नहीं है आपको, दो तीन पॉइंट्स लिखिए। इसके बाद सोशल एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है, चूंकि इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, बाहर जा रही हैं, चीजों को खुद हैंडल कर रही हैं, उससे इनको खुद में एक सेल्फ एम्पावरमेंट हो रहा है, प्लस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट लीड्स टू डिसीजन मेकिंग इन द फैमिलीज। अगर डिसीजन मेकिंग में होगा तो उसके बहुत सारे इंपैक्ट लिटरेसी रेट पे भी पड़ेंगे, उसका इम्पैक्ट सेक्स रेशियो पे भी पड़ेगा ना। तो सोच के देखिए, जो आप इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रहा है, अगर ठीक से ये चीज कर लें तो एक्चुअली में सदाबहार क्रांति हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से महिलाओं के बारे में दो तीन पॉइंट्स लिखिए, उसके बाद फिर आप गरीबों के बारे में बताइए कि कैसे एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एक्चुअली हेल्पफुल टू द, मतलब जो भी गरीब है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, उनके लिए। देखिए इस देश में लार्जली जो बेनिफिट मिला है एग्रीकल्चर से, वो लार्ज फार्मर्स को मिला है, ठीक है? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, मतलब उसको एसेस करने की एबिलिटी है, एट द सेम टाइम उनका फार्म साइज इतना बड़ा है कि एक स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए मैकेनाइजेशन कर सकते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स जो कि अपने आप में कॉस्टली है वो यूज करते हैं, हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि इन सब रिसोर्सेस को यूज करने के बाद आप ऑलरेडी एक बेंचमार्क तक पहुंच चुके हैं, मतलब एक हाईएस्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑलमोस्ट रीच कर चुके हैं। अब आपके पास ज्यादा विंडो नहीं है कि फर्दर आप इनहेंस करें अपने प्रोडक्शन को या प्रोडक्टिविटी को। तो इसका मतलब है, देखिए यूनाइटेड नेशन ने 2014 में इसीलिए ना स्मॉल फार्म सीयर्स मनाया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2014 में, कि उसका पर्पज यही था कि आप प्लेटूइंग हो गया है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन का प्लेटिंग हो गया है एज फार एज लार्ज फार्म्स आर कंसर्न्ड, लेकिन देयर इज स्टिल स्कोप टू एनहांस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द स्मॉल फार्म्स, लार्जली मार्जिनल फार्मर्स। तो यहां पर आपको बस क्या सपोर्ट की क्या जरूरत है, गरीब फार्म, गरीब लोगों को मदद कैसे हो सकता है इसमें, कि अगर आप गवर्नमेंट सही स्कीम्स के साथ आए, ठीक है, इनको सपोर्ट करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि क्रेडिट फैसिलिटीज दे, या आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करे, ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि आज के टाइम पे ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक फूड के नाम से उसका प्राइस बढ़ जाता है. अगर मार्केट में आप जाइए उसमें लिखा ऑर्गेनिक फूड तो देखिए उसका डबल पे करना पड़ेगा. इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक वो चीजें प्रोड्यूस करें लार्जली बेसिकली बिकॉज देखिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटी नहीं है कि फर्टिलाइजर और हाइडलिंग वेराइटी ऑफ सीड्स यूज करें, समझ रहे. तो अगर इन जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग ठीक से कर दी जाए तो देर इज ए वाइड स्कोप कि पॉवर्टी एलिविएशन में मदद कर सकता है उनके, समझ रहे. कोऑपरेटिव फंडामेंटल राइट है, कोऑपरेटिव है ना फंडामेंटल राइट नहीं है? कोऑपरेटिव क्या फंडामेंटल राइट है हमारे देश में? ठीक है. अब जो ये स्मॉल फार्म्स हैं इसमें अगर कोऑपरेटिव को प्रमोट करें, ठीक है, और उसके बाद अगर ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4-5 फार्मर्स मिलके एक कोऑपरेटिव डेवलप कर ले अपना, और कोऑपरेटिव का मतलब सिंपल मतलब ये है ना कि अपने रिसोर्सेज को पूल करें और उसके बाद जो भी प्रॉफिट जनरेट हो आपस में शेयर करें. तो अगर ये स्मॉल फार्म्स आपस में ये करने लगे तो ये प्रॉफिट मेकिंग करेंगे और पॉवर्टी को दूर करने में सहायक होगा. इस टाइप के पॉइंट्स. तो कहने का मतलब है कि दो तीन पॉइंट्स इससे आपको स्ट्रक्चर करना है. सवाल ऐसा पूछा और कई बार क्या होते हैं हम 6 पॉइंट्स लिख देते हैं लाइन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हो सकता है कि 6 के 6 पॉइंट या तो पॉवर्टी से रिलेटेड हो या प्रकृति अनुकूल हो. तो हमको लगता है कि हमने सारे डायमेंशंस को टच कर दिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है कई बार, समझ रहे. ये इतना समझाने का मेरा पर्पज यही था कि जब ऐसे जो टर्म्स हो ना उसको इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ाना तो समझ लिए कि प्रकृति अनुकूल पे भी लिखना है, गरीबों पर भी लिखना है और महिलाओं पे भी मुझे वहां पर चर्चा करनी है, और हर किसी के बारे में एक एक दो दो पॉइंट्स विथ रीजंस एंड रैशनैलिटी. अब मान लीजिए कि इन सब के बारे में जो भी हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात किया, गरीबों के बारे में, प्रकृति अनुकूल तो होगी होगी ना, लेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, इंसेक्टिसाइड हो रहा है, इरिगेशन वैसा नहीं हो रहा है इंटेंसिव, तो डेफिनेटली जो आपका जो इनपुट है वो कम यूज हो रहा है, तो मतलब ठीक है उस सेंस में इतना छोड़ देते हैं. इसके साथ अगर हर किसी में एक आध एग्जाम्पल आ जाए, जैसे कि गरीबी वाले पार्ट में, जैसे ये सवाल कह रहा है ना कि ये गरीबी को एवरग्रीन रिवॉल्यूशन दूर कर सकता है. टिम्बक्टू का नाम सुना है आपने? टिम्बक्टू क्या है? टिम्बक्टू भारत में है, भारत के बाहर है? भारत के बाहर है. भारत के अंदर नहीं सुना है? टिम्बक्टू अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है एक आंध्र प्रदेश में, ठीक है. तो वहां पर कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया. अनंतपुर एक ना ड्रॉट प्रोन एरिया है, सेमी एरिड रीजन है, बारिश कम होती है वहां पर. तो वहां पर वही जो सेम चीज है ना, लैंड और वाटर. देखिए फंडा यही रहेगा, लोग चेहरे बदल जाएंगे लेकिन काम वही होगा, लैंड और वाटर को ही आपको मैनेज करना है. तो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में लैंड और वाटर को कुछ लोगों ने मिलकर उसको सस्टेनेबल बनाया और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया. और वहां जो आसपास अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में जहां उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया, उसके आसपास के विलेजेस जो है ना, उसको उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करो. छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स बनवा दिया वहां पर और कहा कि आप जो भी बनाएंगे उसकी मार्केटिंग हम करेंगे. एक इंडिविजुअल एफर्ट से उनके जितने प्रोडक्ट्स थे, एक टिम्बक्टू के नाम से जो उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया था, वो सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खरीद लेते थे, फिर उसकी मार्केटिंग करते थे और जो भी प्रॉफिट होता था लोगों के साथ शेयर करते थे, समझ गए. तो इससे उस एरिया में आज के टाइम पे जहां पर वो है उसके आसपास प्रोस्पेरिटी बढ़ गई है, और बिना किसी इंटेंसिव मतलब गहनता के, मतलब इंटेंसिफाई करने के लिए, चाहे वो आपके फर्टिलाइजर के सेंस में हो, चाहे वाटर के सेंस में हो, चाहे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स के सेंस में हो. तो ये अपने आप में सदाबहार क्रांति ला रहा है वहां पर. तो ऐसे अगर आपके पास एग्जांपल्स हो तो आप डेफिनेटली, अब जैसे वुमेन के लिए है तो वुमेन में आप कह सकते हैं कि जो सदाबहार क्रांति है, एम्पावरमेंट है, अगर सेल्फ हेल्प SHG जो स्कीम्स हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना, और क्रेडिट फैसिलिटीज और जो भी उनको एक्सटेंशन फैसिलिटीज जिसमें आपको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन अगर ठीक से किया जाए तो वुमेन एम्पावर हो सकती है, और ये आपको सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट और जो भी सोशल लेवल्स है अगेंस्ट वुमेन वो एड्रेस हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं. और कोई थोड़ा और बाबा टाइप के होंगे तो वो विवेकानंद तक चले जाएंगे, ठीक है, और वो कहेंगे कि महिलाओं का एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ये कहता है, और ये बात विवेकानंद ने भी कही थी. विवेकानंद ने कहा था कि नो सोशल डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वुमेन, बिकॉज वुमेन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, ठीक है.
कि समाज में कोई विकास नहीं हो सकता अगर औरतों की स्थिति बेहतर नहीं होगी, औरतों की स्थिति बेहतर होते ही समाज बदल जाएगा, समझ रहे हैं? ये उनका एसेंस था। तो ये सारी चीजों में कहीं अगर वो याद आ जाए और उनको कोट कर दें तो भी एक बेहतरीन आंसर आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? अब मतलब आपको इतना सोचना है कि कंटेंट के साथ कोशिश करें कि सब्सटेंशिएट करें, कुछ एग्जांपल्स, फैक्ट्स, कोटेशंस जो भी हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं फिगर्स के, तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। कुछ और सवाल यहां पर, तो नहीं तो फिर मूव करते हैं। हाँ देखिए, सवाल नहीं आते तो उसके मेरे हिसाब से दो ही कारण होते हैं। एक तो मैं जो बता रहा हूं वो समझ में ना आ रहा हो बिल्कुल, या तो सब समझ में आ रहा हो, दो ही कारण होंगे। इसके इसमें मूल्यांकन करना है ना, तो इसमें हमको, अब जैसे इन्होंने कहा एकदम सही बात का, मूल्यांकन करना है, तो इसमें नेगेटिव नहीं बताना है, इसको इसके चैलेंजेस बताने हैं कि इन सब चीजों को अचीव करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करके और फाइनली कंक्लूड भी करना है कि कितने भी चैलेंजेस आए इन नियर फ्यूचर वी आर गोइंग टू ओवरकम इट, समझ रहे हैं? मतलब उस पर अभी आएंगे, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन पे बात करेंगे तो उस पर भी बात करेंगे कि कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से चीजों को अप्रोच करना चाहिए। अभी मैं सिर्फ ये कंटेंट आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे एक कंटेंट के लेवल पे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन छोड़ दीजिए, उसके बीच का जो बॉडी है ना बीच में, उसको कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है, ठीक है? और बताइए कोई सवाल सर? कॉन्टेक्स्ट में इसका कॉन्टेक्स्ट सर कहां से लिया गया होगा? इसका अगर कॉन्टेक्स्ट अगर आप पूछेंगे तो इसका कॉन्टेक्स्ट यही है कि जितने भी आज के टाइम पे जो रिपोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लार्जली पार्टिकुलर रीजन्स में, लार्जली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो वो प्रैक्टिसेस जो हैं लॉन्ग टर्म में पे नहीं करेंगे, वो उसका एक काउंटर अटैक शुरू हो जाएगा। जैसे आप सुने हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम सुने हैं? फॉर एग्जाम्पल क्या है ये? नाइट्रोजन बॉडी में ज्यादा हो जाता है। नाइट्रोजन बॉडी में क्यों ज्यादा हो जाता है ये सोचा आपने? क्योंकि यूरिया है ना, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, तीन ही चीजें हैं, 4:2:1 के रेशियो में यूज करना चाहिए। लेकिन क्या 4:2:1 के रेशियो में यूज करते हैं? कहीं कहीं पर 8:9:10 के रेशियो में भी पंजाब हरियाणा में, और वहीं पर ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है कि नाइट्रोजन एक प्रकार से आपका जो बॉडी में हेमोग्लोबिन होता है, जो जिसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, पूरे जितने भी ऑर्गन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं आपके बॉडी में, वहां तक वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम में आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है हेमोग्लोबिन की, वो रिड्यूस हो जाती है और बच्चा फिर गुजर जाता है, समझ रहे हैं? और वो कहां देखा जा रहा है? लार्जली एग्रीगेरियन ऐसे रीजंस में जहां पर मिसयूज ऑफ नाइट्रोजन है, समझ रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स, कैंसर ट्रेन का नाम सुने आप? कैंसर ट्रेन चलता है ना आपको पंजाब से राजस्थान, उदयपुर या जोधपुर कहीं पर, बीकानेर, ठीक है? और वो एक और हर हफ्ते चलता है ना, हफ्ते में एक दिन चलता है, और उसके रीजंस जो हैं वो यही है कि जो आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, आपने पूरे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर लिया है, फिर उसको आप पीते हैं। बायो मैग्निफिकेशन समझते हैं? बायो मैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है कि आप अननेसेसरी अमाउंट में जो है पॉल्यूशंस को अपने बॉडी में एक्यूमुलेट कर लिए हैं, और उससे डिफरेंट हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ वाले प्रॉब्लम्स हैं, ये पहले विजिबल नहीं थे, अब विजिबल हो गए हैं। आपने जो 60-70 से जो लगातार मिसयूज करते रहे लैंड का, वाटर का, तो उसका हेल्थ हैजार्ड्स पे इंपैक्ट शुरू हो गया। एक रीजन ये है। दूसरा, इस पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस में जितने भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सक्लूजन की भी बात कर रहे हैं कि कुछ हैव्स हैं जिनको एक्चुअली में बेनिफिट हुआ है इस प्रोसेस से, एंड देयर आर हैव नॉट्स के साथ ऐसे हैव नॉट्स वाले रीजन्स भी हैं देश में। अगर आप ईस्टर्न बिहार देख लीजिए, मतलब बिहार ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, दिस आर द रीजन्स विच आर अनटच्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन लार्जली। तो ऐसे रीजन में सबसे ज्यादा डिप्राइवेशन है, इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी स्ट्रिकन। देख, आप पॉवर्टी का डेटा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा इन्हीं स्टेट्स में पॉवर्टी आपको मिल जाएगा, मतलब रेशियो के टर्म्स में।
तो इसका मतलब है कि ऐसे रीजन्स को एक थ्रस्ट की जरूरत है, एग्रीकल्चर में एक पुश की जरूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपका मॉडल है उसके आपके इल इफेक्ट्स भी नजर आने लगे हैं, है ना, उसके लिए इफेक्ट्स आपको हेल्थ हैजर्ड्स में नजर आ रहे हैं, प्रोडक्शन में आप इतना भी यूरिया डाल रहे हैं उसके बाद भी आपका प्रोडक्शन प्लेटू हो गया, उसके बियॉन्ड बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड नीड्स टू बी रीचेक्ड। और इन सब चीजों से एक स्वामीनाथन ने 90s में एवरग्रीन रिवॉल्यूशन दिया। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट MS स्वामीनाथन ने ही दिया है ना देश में। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी देश में उन्होंने ही कहा था, लेकिन लार्जली वर्ल्ड में किसने कहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में? ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग ने वर्ल्ड लेवल पे किया, इंडिया लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करने में MS स्वामीनाथन ने क्या काम किया, लेकिन 90s तक आते आते वो बोले कि नहीं चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए। और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के बेस में ये तीन चीजें हैं, अगर एनवायरमेंट डेप्राइवेशन और वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो यही थ्री पिलर्स हैं उनके एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के भी। ठीक है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में है, आपने पूछा तो कहानी ये थी उसकी। और कुछ मूव करें प्रैक्टिस करते चलेंगे ना, कुछ आंसर्स लिखते चलेंगे आप, तो धीरे 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 आप मतलब एक आपको समझ में आ जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन देखेंगे अपने आप ही दिमाग फ्रेम करने लगेगा रीजंस आर्गुमेंट सीन्स इन चीजों के बारे में, कुछ एग्जांपल्स, एकदम माइंड फ्रेम हो जाएगा। उसके लिए आपको टाइम नीड एडिशनल टाइम नीड डिवोट करना पड़ेगा, लेकिन शुरू में आपको हर क्वेश्चन में ऐसे सोचना पड़ेगा, समझ गए? क्योंकि देखिए एक अनुभव बताते हैं, जैसे मैंने देखा कि जो कुछ लोगों ने जो टॉप किया लास्ट 2-3 ईयर्स में, तो उनका फर्स्ट पेपर मैंने देखा और लास्ट के पेपर्स में देखा ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। मतलब ट्रस्ट करिए एक जर्नी है, मतलब आप जब एक जर्नी शुरू करेंगे तो शुरू में आपको चैलेंजेस फेस होंगे, तभी हम लोग ये करा रहे हैं कि आप लोग एक बार समझ जाएं चीजों को और इसी रास्ते पे आप धीरे धीरे इंप्रूव करते चलें। तो 2025 टेस्ट के बाद आप इन सब पैरामीटर्स पे एक मतलब आपको कमांड क्लैरिटी होगा, उसके बाद जो मेजरली आपको होगा वो कंटेंट के लेवल पे ही आपको करना होगा, समझ रहे हैं? कि कंटेंट होने के बाद भी कई बार हम अच्छा नहीं लिख पाते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो ये सब उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए है। स्ट्रक्चर, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, उसके बाद इस पे स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया है ना, तो अर्थक्वेक आया तो जैसे हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है 2005, पढ़े होंगे कि देयर इज अ फ्रेमवर्क फॉर टू एड्रेस डिजास्टर, तो अर्थक्वेक भी एक प्रकार के डिजास्टर में ही कैटेगराइज है, सुनामी अर्थक्वेक वॉल्केनिक इरप्शंस ये सब सारी चीजें है ना, फायर्स भी हैं उसमें। तो मान लीजिए सवाल है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है इंडिया का 2005, ठीक है, उसके मेजर फीचर्स क्या हैं और उसके चैलेंजेस क्या हैं, या उसमें मतलब चैलेंजेस इन द सेंस कि जो भी इसके स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है उसके बारे में चर्चा कीजिए। मतलब मैं एक ऐसी एक लूज सा सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं। अब अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पता होगा है ना, कि डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क मतलब डिजास्टर को मैनेज करने के लिए अप्रोच कैसे किया जाए, अगर ये मान लीजिए कि चीजें क्लियर हैं आपको, तो आप आंसर के कंटेंट के लेवल पे तो गलती नहीं करेंगे, मतलब वहां पर अच्छा कंटेंट आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड ठीक से ना हो, समझ रहे हैं? उसमें एक लॉजिकल जो फ्लो होता है आइडियाज का, जिसके बाद एक के बाद सिलसिलेवार दूसरा ही आना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा आना चाहिए, समझ रहे हैं? तो वहां पर हो सकता है लैकिंग हो, और उस चीज को समझने के लिए स्ट्रक्चर पे वर्कआउट करना जरूरी है कि कंटेंट अच्छा होने के बाद भी कई बार आंसर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर वही उसी को देखने का एक नजरिया है। अब जैसे देखिए मैंने मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। कोई भी डिजास्टर, डिजास्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई भी आपदा अगर आती है तो आपदा आने से पहले आपको कुछ स्टेप लेना है, जब आपदा आई हुई है तो कुछ लेना है, जब आपदा मतलब खत्म हो गई मतलब उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स लेने है ना, यानी कि ऐसा तो नहीं कि आग लगा और कुआं खोदे, 2005 से पहले ऐसा ही होता था,
जो सुपर साइक्लोन 1999 में आया था और फाइलिन जो आया था 2012-13 में आया था ना, 2013 में, दोनों की इंटेंसिटी सेम थी लेकिन डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ. फाइलिन में नहीं हुआ और 1999 सुपर साइक्लोन वन ऑफ द डेडलीस्ट साइक्लोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि इस फ्रेमवर्क में अंतर था, हमारे अप्रोच में अंतर था, है ना. उसमें क्या था, प्री डिजास्टर रिस्पॉन्स था ही नहीं. पता था कि आ रहा है लेकिन कुछ स्टेप्स नहीं लिए हम लोगों ने. मतलब ये पता था कि आने वाला है लेकिन ऐसा कोई स्टेप्स नहीं था हमारे पास कि जिसको लिए और डिस्ट्रक्शन हुआ. तो इसका मतलब है कि आपको प्री डिजास्टर प्लानिंग कुछ करनी पड़ेगी. डिजास्टर आने से पहले आपके पास तैयारी रहनी चाहिए चीजों को एड्रेस करने के लिए. तो प्री डिजास्टर में क्या क्या होता है? दो चीजें होती हैं, बता दीजिए. अलार्म सिस्टम होता है. ये डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क 2005 किसी ने पढ़ा नहीं है क्या? बताइए बताइए, प्री डिजास्टर में क्या बात करते हैं? वो मिटिगेशन की बात करते हैं, ठीक है, और प्रिवेंशन की बात करते हैं. अब देखिए, भूकंप को तो आप प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए कुछ तो आप स्टेप्स ले ही सकते हैं गर्मी में, है ना. कुछ ऐसे स्टेप्स, हाँ हाँ. तो प्री डिजास्टर में दो चीजें होती हैं, प्रिवेंशन और मिटिगेशन. प्रिवेंशन का मतलब है कि किसी चीज को होने ही ना दे. अर्थक्वेक में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक के इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज करें, ये प्री डिजास्टर है. अर्थक्वेक के इस कैसे, तो आप बिल्डिंग कोड्स बनाएंगे. बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, जो अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स हैं वहां पर डैम्स नहीं बनने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है. और बिल्डिंग की हाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस टाइप की कुछ कुछ चीजें हैं. उसके बाद आपके जो फोर्सेज हैं वो कैसे प्रिपेयर्ड रहने चाहिए, इसके बारे में उनकी ट्रेनिंग, ये सब चीजें हैं. तो ये मिटिगेशन मेजर्स में होता है ना. ऐसे ही प्री डिजास्टर के बाद क्या आता है? ड्यूरिंग डिजास्टर. मान लीजिए कि भूकंप आ गया, फिर क्या करेंगे उस समय? रेस्पॉन्स, लोगों को बचाएंगे. रिस्क और बचा के छोड़ देंगे क्या? उनको रिलीफ मेजर्स भी तो देंगे ना, है कि नहीं. मतलब हो सकता है उनका घर खत्म, घर टूट गया हो, खाने के लिए कुछ ना हो, काइंड ऑफ थिंग्स, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन में हो. तो दो ही चीजें करेंगे, बचाएंगे और रिलीफ मेजर्स देंगे उनको, है ना. अब उसके बाद ये मेजर्स चलते रहेंगे जब तक आप एक वैसा एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस है. तो उसके बाद पोस्ट डिजास्टर सिनेरियो में क्या करेंगे आप? देखिए, मैं ये इतना बताने का मेरा एक पर्पज है ताकि आप लोग समझ लें. मतलब मैं ये कंटेंट पे, मतलब ये बताना मेरा फोकस नहीं है, लेकिन ये जब तक ये बताऊंगा तभी वो आगे समझा सकता हूँ. पोस्ट डिजास्टर का क्या मतलब है? पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन. सिर्फ उनको पुनर्वास ही नहीं देना है, उनके लाइफ को दोबारा उसी स्टेज में ले जाना है जहां पहले वो थे. यही तो है ह्यूमन राइट ना. मतलब समझ रहे हैं कि उनका जो रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, उनके लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करना है जैसा पहले था वैसा उनको. अब देखिए, आप लोगों ने सब ये पॉइंट्स बताए हैं, मैंने बस लिखा है उसको. सवाल यही था, और मान लीजिए कि स्टूडेंट से पूछा गया ये चीज और एक दोनों स्टूडेंट ने दोनों बातें लिखी, मतलब ये सारी बातें लिखी, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, ठीक है. यानी कि कंटेंट के लेवल पे दोनों ठीक होंगे, क्योंकि अगर दोनों लिखी हैं तो कंटेंट के लेवल पे ठीक है. लेकिन इमेजिन करिए कि एक लड़का पोस्ट डिजास्टर लिखा, फिर मन किया तो प्री डिजास्टर लिखा, फिर मन किया तो ड्यूरिंग डिजास्टर लिखा, और एक लड़का सिस्टमैटिक तरीके से पहले प्री, फिर ड्यूरिंग, फिर पोस्ट. आप बताइए किसने ज्यादा ऑर्गेनाइज किया आंसर को? तो क्या इस पे इसका भी वेटेज होना चाहिए कि नहीं? कुछ कि जो उसका थॉट प्रोसेस है, जो आइडिया जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से आ रहे हैं, ये भी कुछ वेटेज कैरी करते होंगे एग्जाम में, समझ रहे हैं. मतलब ये आपको एक उस आइडिया को कोहेरेंस तो बना ही रहे ना. सिस्टमेटिक स्टेप वाइज तरीके से एड्रेस करना आपके आंसर्स को एक रूपरेखा तो देता है ना, ऑर्गेनाइजेशन तो देता है. तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर में. देखिए, अब इसको कैसे यूज करना है, ये तो मेरा समझाने का मतलब था कि कंटेंट अच्छा होते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन कई बार लैक करता है.
अब इसको सिंपली इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये है कि जैसे ही आप सवाल पढ़े ना, तो सवाल में अगर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट हो, तो आप वैसे ही सिलसिलेवार कोशिश करें कि उसको डील करें वहां पर. समझ रहे हैं? अगर क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, चाहे ऐसे ऐसे एक समझिए पहले कि फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसको डील करिए, फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसको डील करिए, फिर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऐसे डील करिए. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़े और एक माइंड में कुछ बना और उसके बाद वो लिखे और फिर दोबारा पढ़े, अरे यार ये भी पूछा है, तो फिर उसको लिख रहे हैं, अच्छा अच्छा ये भी पूछा है, फिर लिख रहे हैं. समझ रहे हैं? तो वहां पर आपका ऑर्गेनाइजेशन लैक करेगा. कंटेंट के लेवल पे हो सकता है कि बातें ठीक हों, लेकिन आइडियाज बहुत ही हैफेजार्ड तरीके से आ रहे होंगे, उनके बीच में लिंकेजेस नहीं होंगे, जिसको कहते हैं ना फ्लो होना चाहिए. समझ रहे हैं? कि मतलब फ्लो होना चाहिए. कोई भी एक रैशनल आदमी पढ़े तो पढ़ते ही अच्छा हाँ अब इसके बाद ये बात आने वाली है, पता चला कि इसके बाद कोई दूसरी ही बात हो गई. समझ रहे हैं? तो वो कहीं ना कहीं फ्लो ब्रेक होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप. क्लियर है यहाँ तक? देखिए ड्रॉट जो है ना, ड्रॉट को डिजास्टर मैनेजमेंट में इसलिए नहीं लाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्लो नेचर में है. देखिए ड्रॉट, ड्रॉट के अपने साइंस होते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रीम ड्रॉट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4-5 साल तक लगातार ड्रॉट पड़ गया, ठीक है. अब जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में 2-3 साल है ये ड्रॉट का, तो मान लीजिए अगर इस साल भी नहीं जाएंगे तो सीवियर कंडीशन हो जाएगा, तब आपको तो सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे. प्री डिजास्टर का तो कुछ मतलब प्री डिजास्टर के लेवल पे भी वहां लेना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली वैसे एक्सट्रीम केसेस में आप ले सकते हैं. मतलब जो एक्सट्रीम सिचुएशन है ना, कहते हैं देखिए जो ड्रॉट है ना, उसको कहते हैं कि ड्रॉट आने से पहले ना वो एम्पल साइंस हमको दे देता है कि हम मैं आने वाला हूं. मतलब वो ऐसा नहीं होता है कि सडन काइंड ऑफ नेचर का होता है, उसके आने का आपको मतलब एक संदेश होता है ना, वो मिल जाता है, उसके हिसाब से आपको एक्चुअली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है. समझ रहे हैं? तो वैसा अगर नहीं करते हैं तभी तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, नहीं तो उसको इसी में रख लेते हैं. उसको ड्रॉट को मैनेज करने के लिए अलग ही हमारे पास प्रोग्राम है. मैं वही बता रहा हूँ आपको कि देखिए इसमें जो आप बोल रहे हैं तभी मैं कह रहा हूँ कि ये अभी तो है नहीं, ठीक है, और अगर लाया जाएगा भी तो वैसे एक्सट्रीम कंडीशन में लाया जाए, जब 3-4 साल एक्सट्रीम सीवियर ड्रॉट पड़े, तब आपको एक्चुअली में जरूरत पड़ेगा कि कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेना है. लेकिन अभी ये उस, मैं तभी बोल रहा हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 इसका वो पार्ट मतलब उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन्स ए सेपरेट प्रोग्राम टू एड्रेस द इशू ऑफ ड्रॉट, जिसके लिए DPAP प्रोग्राम है ना, कब से 1970 से रन कर रहा है, तो ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है. अब उसके अंदर वो कुछ कुछ मेजर्स लेते हैं, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक मेजर्स हो, चाहे आउट माइग्रेशन को चेक करने के लिए हो, चाहे वर्क से रिलेटेड, इवन मनरेगा को भी कहा जा रहा है कि ड्रॉट प्रोन एरियाज में आप एक एडिशनल इनकम के सोर्स में उनको एसेट बिल्ड कराइए और दीजिए, तो ड्रॉट रुकेगा, चेक डैम्स क्रिएट करिए जहां पर नहीं है. तो डिबेट यही है. लेकिन अभी जैसे आपने पूछा कि करना चाहिए, तो मेरा इसमें वही जो मैंने शुरू में बोला कि जब सीवियर ड्रॉट हो, 3-4 ईयर्स का साइकिल हो, तो डेफिनेटली उसमें आपको मतलब इमरजेंसी स्टेप्स लेने की जरूरत पड़नी चाहिए. लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि जो महाराष्ट्र वाला जो ड्रॉट है ना, लार्जली मैनमेड है, ठीक है. मतलब इसको आप टैकल कर सकते थे अगर ठीक से एड्रेस करते, मतलब वहां का जो एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से. अगर आप सोइंग कॉटन की क्या जरूरत है, कैश क्रॉप्स की, अगर आपको पता है कि इतना फ्लक्चुएशन होता है, तो अननेसेसरी के स्मॉल फार्मर्स को उसके लिए पुश करना, फिर आप कैश क्रॉप्स में शुगर केन और डिफरेंट कैश क्रॉप्स को आप प्रमोट कर रहे हैं जो कि उस रीजन में सस्टेबल नहीं है, तो डेफिनेटली एक उनके ऊपर एक प्रकार से बोझ, ऋण का जो बोझ है, एक्चुअली इट फोर्सेस देम टू डू फार्मर सुसाइड्स. तो ये रीजन इसलिए भी है, ना केवल ड्रॉट के लिए, फार्मर सुसाइड्स के लिए भी. ठीक है, कोई और सवाल बताइए, चले आगे. इसमें वर्ड लिमिट का भी अक्सर कमेंट आता है कॉपी पे कि आपने बहुत ज्यादा उसको आपने शुरू के कुछ आंसर्स में एक्सीड किया है वर्ड लिमिट को और बाकी में नहीं किया है. मतलब
ये मतलब एक नॉर्मल आपको एक फीडबैक मिलता है. देखिए हम ये फीडबैक देने का पर्पस ये है ना कि आपको कॉशियस करना, कि आप ध्यान रखिए कि आप वर्ड लिमिट के अंदर ही अपने आंसर्स को एड्रेस करिए. पर देखिए अलग अलग जो टॉपर्स हैं उनसे बात करेंगे तो कहते हैं कि जो आंसर आता है उसके बारे में आप लिखिए, जितना आता है लिखिए. ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा प्रैक्टिस किया है. इरा सिंघल का भी अगर आप बात करेंगे, वीडियोज भी देखेंगे, तो उनका भी यही कहना है कि जो मुझे आता था मैंने खूब लिखा उसके बारे में, जो नहीं आता था आई एम ट्रूथफुल, मैंने ब्लफ नहीं किया, उतना ही लिखा जितना आता था. मतलब उनका अपना एक्सपीरियंस है. लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं ना, हम देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 20 आंसर अच्छे से लिखेंगे वहां पर. मतलब इस पूरे टेस्ट सीरीज का पर्पज ये है कि आपको एकदम अच्छे से सारे इश्यूज के बारे में और टच में रख के 2-3 रन जो आप, मतलब जो अगर 2025 का टेस्ट सीरीज है तो उसमें हम लोगों ने इस तरीके से प्लान किया है कि 3 बार आपका रिवीजन हो रहा है ना, तो अगर आप 3 बार रिवीजन कर ले रहे हैं पूरे सब्जेक्ट्स का, इसका मतलब यू हैव ए गुड कमांड ओवर द कंटेंट पार्ट. समझ रहे हैं? तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम आपको कॉशियस करते रहे कि 20 क्वेश्चन जिस तरीके से आप लिख रहे हैं उस तरीके से एड्रेस नहीं हो पाएगा. आप इमेजिन करिए कि अगर आप जहां जहां वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे होंगे और अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे तो क्या आप सारे क्वेश्चंस मैनेज कर लेते? हो जाता है ना. तो इसका मतलब है कि अगर हम शुरू से ही, वही कह रहा हूँ, अभी एक्सपेरिमेंट करते रहिए कि अगर हम ज्यादा शुरू में वर्ड लिखते हैं तो लास्ट में अगर रश होता है तो क्या हमको वर्ड लिमिट घटा के फिर अपने आंसर्स को मैनेज करना पड़ता है? इस स्ट्रेटजी से कितने मार्क्स आ रहे हैं? अगर हम शुरू से ही वर्ड लिमिट ठीक करके चलते हैं और लगभग लगभग सारे आंसर्स को सेम वेटेज देते हैं मोर और लेस, तो हमारे मार्क्स में क्या डिफरेंसेज या वेरिएशंस आ रहे हैं? एक्सपेरिमेंट करते रहिए इसका. उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल आपका कॉम्बिनेशन बनेगा वो समझ लिए कि वो आपको यूज करना है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग राइटिंग स्किल है कि कितने. ठीक है, क्लियर है? और कोई सवाल? जैसे हम आंसर लिखते हैं ना, अभी विजन में मैंने टेस्ट किया था तो उसमें क्या है कि ये सब सारी बातें तो बताया कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, एग्जांपल भी दे दो, लेकिन सर उसको 200 वर्ड्स में कैसे लिखे वो पता नहीं चलता. ये क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आंसर आपने जैसे मॉडल आंसर दिया तो वो कंटेंट और प्रेजेंटेशन सब ठीक था, अच्छा था. मतलब जो हम लोगों ने मॉडल आंसर दिया, अच्छा वो भी 400-500 वर्ड्स में थे, तो बिल्कुल बिल्कुल सही. ये सब पता है कि आंसर अगर मेरे पास में अगर क्वेश्चन है तो मैं सर्च तो मैं भी कर लूंगा कि ये होना चाहिए. ठीक है ठीक है. हां हां, मैं वो मॉडल आंसर नहीं 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 नहीं, देखिए वो फ्रस्ट्रेटिंग नहीं, ऐसा मत समझिए. पहले देखिए हम लोग जब मॉडल आंसर बनाने बैठते हैं ना तो हम लोगों में बहुत डिबेट डिस्कशन हुआ कि हम मॉडल आंसर का पर्पस क्या है. वन स्टॉप सॉल्यूशन हम लोगों ने सोचा कि ये जो टॉपिक पूछा है इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपको वहीं मिल जाए, ऐसा नहीं लगे कि आधा अधूरा आंसर है और फिर आप कहीं और जाके खोजें. तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं. मतलब हमारा पर्पस ये नहीं है कि जस्ट आपको पॉइंट्स में ये होने चाहिए, थोड़ा सा उसका एलोबरेशन दे दें ताकि आप वहीं पर एज इट इज उस टॉपिक को समझ जाएं. इस पर्पज से हम लोगों के पास दोनों इश्यूज थे कि ऐसे बनाएं, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच ये होगा कि आप एक जगह उनको सारी चीजें दे दें कि उस टॉपिक्स में खोजना ना पड़े. उसके बाद देखिए सीमा निर्धारण करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि अगर हम लोग उसको 400 वर्ड में बनाना है तो इसका मतलब कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 200 में लिखें. ये नहीं है. मतलब इस तरीके से मत देखिए चीजों को. वो मॉडल आंसर का पर्पस जो मैंने आपको बताया वो ये था. दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि 200 शब्दों में कैसे लिखें, इसके लिए मैंने शुरू में ही कहा कि स्किल है. आप ही नहीं लिख रहे, सभी लिखेंगे. समझ रहे हैं? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां आपके साथ और भी लोग चीजों को लिखने का प्रयास कर रहे हैं. और आप टॉपर्स के नोट्स देखिए ना, डेफिनेटली पॉसिबल है. मतलब आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है? देखिए अच्छा ठीक है, वो ठीक थे, अच्छे पॉइंट है, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया कि ये आपने गलत लिखा या इररिलेवेंट लिखा है. अच्छा, तो इसको हो सकता है तो ये यहाँ हो सकता है कि थोड़ा फीडबैक और उसमें पार्टिकुलरली हो जाता है कि इसकी जगह आप ये 2-3 एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर लीजिए. मतलब कुछ मैंने जो बताया था ना प्रायोरिटाइज करने वाला, कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो तो होने चाहिए और कुछ पेरिफेरल पॉइंट्स होंगे जो थोड़ा मतलब हो या ना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उनसे. समझ रहे? तो अगर आप जैसे आपको फीडबैक मिला और उसमें उन्होंने बोला कि ये 3-4 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप सोचिए कि यार इनमें से क्या 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखा है इसमें से कोई
डिलीट मार सकते हैं क्या, हटा सकते हैं और इसको क्या एड ऑन कर सकते हैं? इफ द पॉइंट्स व्हिच हैज बीन गिवन एज ए फीडबैक दैट गुड पॉइंट है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस तरीके से वो आपके लर्निंग का ही पार्ट हो गया ना, समझ रहे हैं? कि आपने लिखा, अब हर जगह अगर हम वहां पर लाल लाल करने लगे कि ये गलत है ये गलत है ये गलत है, तो वो गलत नहीं है, सब्जेक्टिविटी है, मतलब रेलेवेंस मोर रेलेवेंट वाला बात है, समझ रहे हैं? तो वो है, लेकिन डेफिनेटली पॉसिबल है और आप लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप एकदम, एक ऐसा टाइम आएगा ना, ट्रस्ट करिए, एक ऐसा टाइम आएगा जब 160 अगर जो भी आप वर्ड लिमिट तय करेंगे ना कि 170 में मुझे अपने आंसर्स फ्रेम करने, जब आपको अपना स्पीड पता चल जाएगा ना कि विद इन 3 आवर मैं मैक्सिमम इतने वर्ड्स लिख सकता हूं, तो हर राशनिंग करेंगे जो आप हर एक आंसर है उसके लिए राशनिंग जो करेंगे कि इसके लिए इतना ही वर्ड जाएगा, तो ट्रस्ट करिए एक ऐसा स्टेज आएगा कि अगर 170 का आपका अगर टारगेट है तो 170 पे जाके आपका हाथ अपने आप रुक जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, वो वहां जाके उसके बाद एक शब्द आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब इस टाइप से माइंड फ्रेम हो जाएगा कि अपनी बातों को उतने ही शब्दों में व्यक्त करना है, वो स्टेज आता है, वो स्टेज आएगा आएगा, मतलब फिर आप बात करिएगा मुझसे 2-4-5 महीने बाद फिर, ठीक है? तो देखिए स्ट्रक्चर में जो मैंने आपको बताया कि जो लॉजिकल कोहेरेंस होना चाहिए आइडियाज का वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर को लार्जली टेक्निकली जो है दो तरीके से हम देखते हैं, ठीक है? एक को कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, ठीक है? इस बॉडी पे हम लोगों ने विशेष चर्चा की, कंटेंट पे, कि बॉडी बॉडी में ही तो कंटेंट होता है ना, जो बीच वाला पार्ट होगा उसी में आपका कंटेंट होगा, उस कंटेंट में भी जो आर्गुमेंट्स हैं, रीजंस, रैशनैलिटी और उसको सपोर्ट करने के लिए जो आप एग्जांपल्स यूज कर रहे हैं, तो हमारी मोर और लेस इस पे बात हो गई है, समझ रहे हैं? क्लियर है ना? इस पे बात हो गई है, हम लोगों की बात इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे नहीं हुई है, ठीक है? तो थोड़ा यहां पर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। अब जैसे आपने बोला कि 201 वर्ड लिमिट है, अपर लिमिट है, अप टू 200 वर्ड्स है ना, तो अगर उसके अंदर 200 वर्ड्स में अगर हमको आंसर्स देना है, और चैलेंज जो है ना वो ये है कि यूपीएससी जो सवाल फ्रेम कर रहा है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब जैसे ये जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा इसमें, इसी में 3 पार्ट्स हैं, प्रकृति अनुकूल पे बताना है आपको, गरीबों पे बताना है, महिलाओं पे बताना है, समझ रहे? अपने आप में ही 3 डायमेंशंस हो गए यहाँ पर, इसके आगे भी हमारा एक सवाल है उसके आगे, तो जब टेस्ट लिखेंगे तो करिएगा, लंबा है वो सवाल काफी। तो ऐसे सिचुएशन में जब अपने आप ही, मतलब आज के टाइम पे मैनी सब डायमेंशंस हैड बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन वन क्वेश्चन, तो वैसे सिचुएशन में इंट्रोडक्शन का क्या रेलेवेंस रहता है, क्या स्कोप है हमारे के पास कि इंट्रोडक्शन के लिए कितना हम वेटेज दें, समझ रहे कहने का मतलब? आप लोग बताइए अपने अनुभव से, जो एग्जाम यूपीएससी भी दिए हो मेंस वेंस, तो उसमें क्या है, कितना वेटेज आप लोग जनरली देते हैं, इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है नहीं है, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, क्या मतलब आप लोगों का कंसेंसस क्या है कि लिखना चाहिए? अच्छा, मान लीजिए कि मानते हैं कि 80% क्वेश्चन में, मान लीजिए एक क्वांटिफाई कर दिए कि 80% क्वेश्चंस में डिमांड होता है, मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए जिसमें डिमांड नहीं होता है, ऐसे कुछ एक दो एग्जांपल जिसमें डिमांड ना हो इंट्रोडक्शन का, अगर वो भी क्लैरिटी हो जाए तो कुछ शब्द तो बच जाएंगे ना वैसे क्वेश्चन पे, वन लाइनर यूज कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन था आपकी बात पूछा था उसने कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को उन्हें मिल रहा है सदस्यता, तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो बस मैंने उसको आंसर कर दिया पॉइंट पॉइंट लिख के, और क्या बस एक लाइन कर दिया कि इसका इंट्रोडक्शन एक लाइन में लिख दिया, कि जैसे इनका सवाल है कि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जो P5 मेंबर्स हैं वो किसी और मेंबर को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, और एज सच इंडिया भी उसका पार्ट नहीं है, व्हाट आर द रीजंस, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण इंडिया जो है उसको यूएनएससी की मेंबरशिप नहीं मिल रही है ना? तो इसमें ये कह रहे हैं कि वन लाइनर से, इंट्रोडक्शन से मतलब चीजों को देखा जा सकता है। हाँ, ठीक है, अच्छा लास्ट में क्वेश्चन लास्ट में था तो वहां पर तो ये तो प्रैक्टिकलिटी हो गई ना, कि वहां जो जरूरत है उसके हिसाब से,
पहले तो आइडियली देखते हैं कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहले जैसे इन्होंने बताया, कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं क्या जिसमें आप इंट्रोडक्शन को मतलब एज सच ज्यादा वेटेज ना दें? अच्छा, तो यहाँ तो ग्लोबलाइजेशन भी बताना है थोड़ा। अच्छा, लेकिन अगर ये सवाल है जैसे कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका वुमेन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर अगर आप वुमेन पे इंपैक्ट पड़ रहे हैं तो ग्लोबलाइजेशन हैज ए पॉजिटिव इंपैक्ट, ऐसे करके पॉजिटिव फिर नेगेटिव, बल्कि बेहतर तरीका है कि ग्लोबलाइजेशन को उसके सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट से डिफाइन कर दें, थोड़ा डिफिनीशन अगर दे दें तो एक बैकग्राउंडर तैयार हो गया कि ये अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबलाइजेशन की और ये पूरा प्रोसेस कैसे अफेक्ट कर रहा है वुमेन को पॉजिटिवली एट द सेम टाइम नेगेटिवली। तो मेरे ख्याल से यहाँ तो ये डेफिनेशनल वर्ड था ग्लोबलाइजेशन, तो वहां पर डिफाइन करना बेहतर है। देखिए, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जहां पर डेफिनेशन के साथ इंट्रोडक्शन शुरू होगा, जो कई बार क्या होगा ना, डेफिनेशनल जो वर्ड्स होंगे वहां डेफिनेशन के साथ शुरू करिए। जो अभी बात कर रहे थे हम ताकि डिस्क्रेस ना हो आइडिया से, वो ये था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे तो नहीं, कुछ ऐसे नेचर होता है क्वेश्चंस का जिनके टेल वर्ड्स में, जैसे एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, मान लीजिए कि डिफरेंशिएट बिटवीन द आइडियाज ऑफ अम्बेडकर एंड गांधी, है ना, या डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए, जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, अब आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों का, इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? मतलब एक मैं बस ये मेरा पर्पज ये है कि आप थोड़ा सोचें कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। दोनों साइक्लोन बता सकते हैं आप, ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन इंट्रोडक्शन में, फिर वही उसी को उसी पॉइंट को आप डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करेंगे उसी डेफिनेशन को। रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि ऐसी ऐसी जगहों पे जहां डिफरेंशिएट किया तो आप कुछ भी लिखेंगे दोनों के बारे में, तो फिर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए वही पॉइंट दूसरे लैंग्वेज में या सेम लैंग्वेज में आप फिर लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो एक पॉइंट कम लिखेंगे, यही होगा, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश काइंड ऑफ क्वेश्चंस में वन लाइनर द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स आर, फिर आप शुरू में ही पहला जो डिफरेंस है उसको डेफिनेशन से डिफाइन कर दीजिए, समझ रहे हैं? डेफिनेशनल डिफरेंसेस बता दीजिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ वाटर्स पे होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स पे होता है, और कोई वार्म सेक्टर और कोल्ड सेक्टर नहीं होता है, यहाँ पर जो है वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट दोनों होता है, और जो होता है टेम्परेट रीजन्स में होता है, लैंड पे भी हो सकता है वाटर पे भी हो सकता है, यही है ना। तो ये डेफिनेशन अगर दोनों का दे देंगे आप, तो डेफिनेशन के साथ शुरू करेंगे तो आपका कंटेंट भी ठीक रहेगा और ऊपर जो रिपीटेशन हो रहा है वो भी उससे भी बच जाएंगे, समझ रहे हैं? तो यानी कि इसका मतलब है कि वहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे सवाल हैं, वहां पर आप जो है डेफिनेशन स्किप कर सकते हैं, वन लाइनर कर सकते हैं। देखिए, जब क्वेश्चंस के बहुत सारे पार्ट्स हों, ठीक है, बहुत सारे जब पार्ट्स हो ना, तो वहां पर भी आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख के और सीधे बॉडी पे आ जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारे डायमेंशंस को टच करना है, ऐसे में आपके पास बहुत स्कोप नहीं है कि आप 30-35 वर्ड्स का वेटेज इंट्रोडक्शन पे शिफ्ट करें। आप लॉजिकली सोच के देखिएगा, मतलब समझ रहे हैं? मतलब मैं ये मेरा यहाँ कहने का पर्पज ये है कि इंट्रोडक्शन को लेके सेट क्राइटेरिया बना के वहां मत जाइए कि इंट्रोडक्शन तो मैं सब में ऐसा ही लिखूंगा, मतलब इतने वर्ड्स का तो लिखूंगा ही, वहां पर मैनूवरिंग करना है, वहां पर स्मार्टली देखना है कि कहां पर बचा जा सकता है, वन लाइनर से काम चल सकता है, और कहां पर बिना डेफिनेशन दिए चीजें आगे बढ़ नहीं सकती हैं। अगर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर में फ्लॉज नजर आएंगे, जैसे ग्लोबलाइजेशन वाला है, अगर उसको डिफाइन कर देंगे ना तो उसके बाद में आप जितनी बार भी ग्लोबलाइजेशन यूज करेंगे चलता रहेगा, समझ रहे हैं? और उस पर्सपेक्टिव से वो जुड़ता रहेगा तो चीजें आसान रहेंगी वहां पर, ठीक है? तो इसका मतलब है कि इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है करंट, अब मान लीजिए कि नेक्स्ट ईयर अगर 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो जाए तो अपना चेंज कर लीजिएगा नेचर, अगर सिर्फ 6 आंसर लिखना हो तो हो सकता है कि आपके पास ज्यादा स्कोप हो इंट्रोडक्शन लिखने का, समझ रहे हैं? लेकिन आज जो अभी करंट कंटेम्प्रेरी टाइम जो चल रहा है जिसमें क्वेश्चंस का फ्रेमिंग हो रहा है 20-25 क्वेश्चंस का, वहां पर आप थोड़ा ज्यादा वेटेज इस पे शिफ्ट मत करिएगा, नहीं तो बॉडी के लिए आपके पास कंटेंट या जो वर्ड है वो कम रह जाएंगे, या तो एक्सीड करेंगे, और एक्सीड करेंगे तो कहीं ना कहीं
कुछ और क्वेश्चंस में सफर करना पड़ेगा. और इंट्रोडक्शन को पूरी तरह से इग्नोर भी मत करिएगा. मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पॉजिटिव फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन और शुरू कर दिए, ठीक है, वैसा भी मत करिएगा. क्योंकि आंसर का एक स्ट्रक्चर होता है. इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन इज लाइक फर्स्ट यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, पहले इंट्रोड्यूस करिए, फिर बिल्ड करिए और फाइनली कंक्लूड करिए. ऐसा मतलब राइटिंग स्किल कहता है. तो जब हमारी अंडरस्टैंडिंग है तो हमको तो बस यही समझना है कि यूपीएससी के हिसाब से उसको मैनूवर कर लेना है. मतलब उसको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है, उसमें एक समझदारी के साथ चीजों को लेके मूव करना है. कई बार क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे क्रिटिकली एग्जामिन. जैसे मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, कुछ एक सवाल था, चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं. जीएम क्रॉप्स है ना, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर जीएम क्रॉप्स आर बेनिफिशियल फॉर इंडिया और नॉट. मान लीजिए कि एक सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या क्या लिखेंगे आप? पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव बताएंगे, ठीक है. जीएम क्रॉप्स के बारे में बता दिए, ये होता है जीएम क्रॉप्स, फिर उसके पॉजिटिव बता दिए, उसके नेगेटिव बता दिए, फिर क्या लगता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में आप अप्रूव करते हैं, आपका आइडिया क्या है इसके लिए कि आप इसको सही मान रहे हैं कि नहीं? अच्छा ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं, इनका मानना है कि एक कंक्लूजन होना चाहिए कि आपका इसमें राय या आपका मत क्या है उसमें, उसको भी आपको लिखना है कंक्लूजन में. जब भी आप क्रिटिकली एग्जामिन देखिए, क्रिटिकली इवेल्युएट देखिए, ठीक है, तो वहां पर आप समझ लीजिएगा कि मुझे कंक्लूजन के बारे में थोड़ा 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 ना थोड़ा लिखना ही लिखना है. रीजन बीइंग, देखिए जैसे जीएम क्रॉप्स, आप समझिएगा इसको कि जीएम क्रॉप्स जो है, जीएम क्रॉप्स तो बेस साइंस पे ही है ना, मैजिक पे तो बेस नहीं है, साइंस पे बेस है. और साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है. साइंस तो ऑब्जर्वेशन मान के चलता है, और ऑब्जर्वेशन के लिए आपने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, यानी कि जीएम क्रॉप्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स, अगर कंक्लूजन निकाला जाए इसका. तो अगर आप जीएम क्रॉप्स और ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स लेते हैं इसको, तो पूरी तरह से डिनाई तो नहीं कर सकते. अगर मान लीजिए कि इसके पॉजिटिव्स हैं, जिसमें अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, और मान लीजिए कि और भी जो भी इसके एस्पेक्ट्स हैं वो एड्रेस हो रहे हैं, तो इट मीन्स इट हैज ए सर्टेन डिग्री ऑफ अचीवमेंट, मतलब पॉजिटिविटी है इसके अंदर. एट द सेम टाइम इंडिया में जीएम क्रॉप्स एज सच फूड्स में तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ट्रायल फेज पे ही है, मतलब एक बड़े स्केल पे तो इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है ना. इसका मतलब है कि जो नेगेटिव्स हैं वो एक्चुअली नेगेटिव्स नहीं, अप्रिहेंशंस हैं. उसको लेके आपके मन में एक डर है, भाव है कि ऐसा हो सकता है, समझ रहे हैं? जो मतलब उसके अपोनेंट्स हैं उनका ये आर्गुमेंट्स हैं कि यार ये चीजें होंगी, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होगा, चाहे उसका बायोमैग्निफिकेशन वाला जो पार्ट है उस पर होगा, हेल्थ हैजार्ड्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स हैं, है ना, या बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, ये सारे पॉइंट्स वो मतलब आर्गुमेंट्स बिल्ड करते हैं. तो इसका मतलब है कि एज ए ब्यूरोक्रेट आप न्यूट्रली होके दोनों की बातें सुनिए कि ये पॉजिटिव्स हैं और अपोनेंट्स ये जो है इशूज रेज कर रहे हैं. एज ए ब्यूरोक्रेट आपको बताना है कि आगे क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होगा इसका, समझ रहे? तो वहां आप इसको कंक्लूड करिएगा कि एज देखिए जीएम क्रॉप्स, मान लीजिए अगर इसमें पॉजिटिविटी है तो सोच के देखिए फूड सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के लिए कितना बड़ा एक अचीवमेंट हो सकता है. एट द सेम टाइम आप फूड फोर्टिफिकेशन का नाम सुने होंगे, तो यानी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी कर सकता है. इस देश में कितना बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन के शिकार है, वुमेन एनीमिया और बहुत सारी चीजों की. तो वहां पर आप इससे इंटरवेंशन से कितना बड़ा अचीवमेंट आप स्कोर कर सकते हैं. इसका मतलब है कि पूरी तरह से इसको डिनाई करना एज ए ब्यूरोक्रेट तो गलत होगा, है ना. तो वहां पर आप चीजों को ऐसे ही रखिएगा कि देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ इट एंड व्हिच आर गोइंग टू प्ले मेजर रोल इन लाइक फॉर उसको जो भी आपके सोशल रियलिटीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको आपको एलाबोरेट और एक्सप्लेन करने में ये सहायक होंगे. एट द सेम टाइम जो इसके एप्रीहेंशंस हैं, जो भी एप्रीहेंशंस हैं, उस पर आप R&D करिए, ट्रायल्स करिए, और उसके बाद आप इसको जो है इसके जो भी वीकनेसेस हैं उसको एड्रेस करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करिए, समझ रहे हैं? इस तरीके का आपका मतलब इतना लिखने के लिए आपको कुछ वर्ड जो है ना साइड में करना पड़ेगा कि मतलब वो शुरू में ही हो जाएगा. जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उसी समय आपको डिसाइड कर लेना है कि कंक्लूजन मुझे एक वे फॉरवर्ड लिखना है, समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं कि लिखते लिखते अरे हाँ यार कंक्लूजन भी लिखना है, तो फिर वो पता चला कि एक्सीड हो गया और फिर आप कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में सफर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कहने का मतलब? कि जो वर्ड है आपके पास ना, जैसे ही आप क्रिटिकली एग्जामिन देखे तो आप समझ लिए कि कंक्लूजन के लिए मुझे अपना 20-25 शब्द का
स्कोप क्रिएट कर लेना है उसी के हिसाब से अपना कंटेंट, और चूंकि क्रिटिकली एग्जामिन है तो इंट्रोडक्शन पे थोड़ा वेटेज कम करके शिफ्ट कर दीजिए कंक्लूजन पे, समझ रहे हैं? मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं वहां पर चीजों को, इंट्रोडक्शन कहां पर, जैसे मान लीजिए कि जो कल्चर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना लार्जली मुगल जैसे आर्किटेक्चर है उसके मेजर फीचर्स बताइए और उनके कंट्रीब्यूशन बताइए इंडियन आर्किटेक्चर में फॉर एग्जांपल, तो ये वन लाइनर है, मतलब एक डायमेंशन है सिर्फ मुगल आर्किटेक्चर पे बताना है, इसका मतलब है यहां ज्यादा स्कोप है कि इंट्रोडक्शन बेहतर लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं? क्योंकि यूनिडायमेंशनल क्वेश्चन है, अगर तीन चार चीजें पूछता तो आपको कंटेंट में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता, बीच वाला बॉडी ही बहुत वर्ड्स लेता, तो वहां पर आपके पास ज्यादा है तो इंट्रोडक्शन लिख दीजिए और कंक्लूजन वन टू लाइनर में भी काम चल जाएगा कि इंडियन कल्चर को प्रोपेल करने में, फ्लोरिश करने में और एसिमिलेट करने में दे हैव प्लेड ए मेजर रोल, मतलब हो गया पॉजिटिव, है ना? तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में मैनूवरिंग करना है, एक सेट फ्रेम से मत जाइएगा कि इतना वर्ड इसको दूंगा इतना इतना, वहां पर जो सर्कमस्टेंसेज हो, नेचर हो, बहुत ज्यादा स्प्लिट हो क्वेश्चन, उस हिसाब से इंट्रोडक्शन कम करिए, बॉडी पे फोकस करिए, और जहां पर कंक्लूजन रिक्वायर्ड हो उसके लिए शुरू में ही अपना एक पैटर्न बना लीजिए। हम डायमेंशंस में क्लैश होता रहता है, जैसे एक कोई दो जी, हाँ फ्रेम ऐसे ही करना है इसमें कि आपका ओरिएंटेशन, इसमें पूरा का पूरा ओरिएंटेशन पॉजिटिव होगा और ऑप्टिमिस्टिक होगा, जीएम क्रॉप्स को लेके नेगेटिविटी के साथ कंक्लूजन नहीं लिखना है, समझ रहे हैं? जीएम क्रॉप्स की नेगेटिविटी को एड्रेस करना है, ना कि उसके लिए जीएम क्रॉप्स को पूरी तरह से डिनायल मोड में डालना है, ये नहीं करना है वहां, समझ रहे हैं? कंक्लूजन का देखिए, कंक्लूजन लार्जली मतलब मैक्सिमम केसेस में कितना भी ऑड सिचुएशंस हो, यहां से आ जाइए, पीछे से आ जाइए, बाहर से आ जाइए, तो कितना भी ऑड सिचुएशन होना, तो लार्जली आप कोई सा भी मुझे एक सिचुएशन देके बताइए, मैं उसको आपको लार्जली पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव तो ऑप्टिमिस्टिक होगा, नहीं होगा तो कर लेंगे, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से कंक्लूजन को लार्जली करना है। तो जीएम क्रॉप्स का मैंने इसीलिए शुरू में बताया कि साइंस पे बेस्ड है ना, साइंस ऑब्जर्वेशन पे है, आपने ऑब्जर्वेशन किया और वो ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स पे है, तो इसको पूरी तरह से डिनाई नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन जो इसके अब इसलिए मैंने उस शुरू में ही बोला था कि जीएम क्रॉप्स जो है ना पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, फूड क्रॉप्स के सेंस में ये ऐसा कोई इसका मतलब प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा ना इंडिया में कि फूड में आपको बीटी ब्रिंजल लाने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं, फील्ड ट्रायल पे ही है, इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज स्टिल अनअवेलेबल। एक जो है जो डेटा बताता है कि फूड फोर्टिफिकेशन हो सकता है, फूड सिक्योरिटी हो सकता है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो सकता है, इसके डेटा हमारे पास है, लेकिन हेल्थ हैजार्ड वाले डेटा हमारे पास है क्या? दीज आर ऑल एप्रीहेंशंस, समझ रहे हैं? इसका एक लार्ज स्केल पे रिजल्ट नहीं है, तो जिसका एक तो रिजल्ट डेटा अवेलेबल है, एक का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो डेटा अवेलेबल के बेसिस पे हम फाइनल कंक्लूजन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डेटा अवेलेबल नहीं है उसके बेसिस पे जीएम क्रॉप्स को नेगेट करना तो गलत हो जाएगा ना, समझ रहे हैं? तो वहां पर आपको एड्रेस यही करना है कि चूंकि आपने इशू को रेज किया है, आपने ये वाला डायमेंशन किया है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एड्रेस इट, और इसको एड्रेस करने के बाद जो इसकी पॉजिटिव चीजें हैं उसको लेके मैं आगे भी बढ़ूंगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प इंडिया टू इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, है ना? और उसमें जो भी इकोनॉमिक डायमेंशन है जिसमें फार्मर्स की इनकम वाला बात है वो भी लिख सकते हैं, इस तरीके से मैनेज करना है। हाँ, जेएस वर्मा कमेटी भी बनी, हाँ उन्होंने कहा था कि नहीं घटाना चाहिए, और प्रेजेंट टाइम में इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट ने इसको घटा दिया। देखिए अब ये जो पॉलिसी के लेवल पे है ना, अगर इसका क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए आए, ये जो इशू है ना क्रिटिकली अगर एग्जामिन करने के लिए आए, तो इसमें आप जो भी जो स्कीम्स के जो भी वीकर पॉइंट्स है ना वहां पर आप डेफिनेटली कर दीजिए, लेकिन जब कंक्लूजन आए तो वहां पर
डिप्लोमेटिक आंसर इसका क्या होगा कि जो इंटेंशन है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, जिसमें कि आप एज को डिक्रीज किए हैं, उसका पर्पज ये है कि जो हीनियस क्राइम्स हैं उसको एड्रेस करने में ये मदद करे, मतलब समझ रहे हैं। तो उस सेंस में आप थोड़ा सा ये इसके साथ हो सकते हैं, और थोड़ा डिप्लोमेटिक अगर और होना है तो ये भी लिख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के इस पे कन्वेंशंस हैं, आई थिंक इंडिया शुड ऑल्सो अलाइन विद दैट। इसका मतलब यह है कि वो तो कहता है 16 साल, आप कह रहे हैं 14 साल, तो इंस्टेड ऑफ सीधे बोलने की जगह आप यूएन का नाम लेके चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, समझ रहे हैं, मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पर, कि इसका मतलब है कि हीनियस क्राइम के लिए हो सकता है कि ये जो आपका स्टैंड है, जो भी इसमें उन्होंने आर्गूमेंट दिया, सोशल मीडिया इंटरनेट का जो भी रोल है जिसमें, है ना, तो वो सब एक आर्गूमेंट सोशल एस्पेक्ट से है, लेकिन फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वाला, मतलब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वाला भी है, लेकिन फिजियोलॉजिकल आर्गूमेंट्स के बेसिस पे जो यूएन ने बनाया है ना, उसको आप उसको लेते हुए वहां पर कंक्लूड कर दीजिए, खुद मत बोलिए कि दिस इज समथिंग रॉन्ग, उसके साथ यूएन को जोड़ के कि ये ऐसा होना चाहिए या किया जा सकता है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि हम मान लीजिए एक, अब चूंकि ये बात हुई है तो एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे पेरिस क्लाइमेट जो हुआ है ना, कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो उसमें एक INDC का नाम है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, है सुना है नाम आपने INDC तो बना दिया, इसका मतलब है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई, है ना। तो जो INDC है, इंटेंडेड एंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, इसको अचीव करने के लिए इंडिया बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम्स के साथ आ रहा है, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, समझ रहे हैं, ये सारी स्कीम्स है ना, नमामि गंगे, वो क्या है, ये सब कुल मिला के आपको क्लाइमेट को मैनेज, वाटर को मैनेज करना है, आपको सोलर एनर्जी पे फोकस करना है, तो काइंड ऑफ स्कीम्स हैं। यानी कि आप अपने स्कीम्स किसी जो यूएन बना रहा है, चाहे वो UNFCCC ने बनाया चाहे किसी ने, उसको एक्चुअलाइज करने के लिए आप ऐसे स्कीम्स बना रहे हैं जो कि उसको रियलाइज करने में मदद करें। और यहाँ पर आपने जुवेनाइल वाले में एक ऐसा लॉ क्रिएट किया है विच इज अगेंस्ट द यूएन कन्वेंशंस, समझ रहे हैं। तो मेजर एक क्रिटिसिज्म उसका ये है, तो यहाँ पर आप ऐसे ना बोल के यूएन का नाम लेके और चीजों को खत्म कर दीजिएगा, मतलब डिप्लोमेटिक रहना है वहाँ। वो देखिए उसमें अब हीनियस क्राइम कैसे जज करेंगे, कुछ पैरामीटर है उसका, अब देखिए देखिए क्या इसमें, देखिए हीनियस क्राइम में ना जब आप बनाएंगे तो उसमें जैसे मान लीजिए कि देखिए जैसे ये 2012 वाला जो केस था दिल्ली का गैंगरेप केस था, उसमें अगर देखें तो उस बच्चे का साइकोलॉजिकल अगर कंडीशन देखें तो उसमें ये था कि वो 5-6 साल से वो बच्चा जो है छोटे इस ढाबे चाहे उस ढाबे पे लगातार काम कर रहा था, चाइल्ड एब्यूज का वो शिकार था, तो ऐसे सोसाइटी को लेके उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी उसका रिफ्लेक्शन था वो, आपने सोसाइटी से जैसा ग्रहण किया वैसा ही आपने रिफ्लेक्ट किया, यही था वो। तो यहाँ पर यही सब डिबेटेबल इश्यूज हैं कि आपने उस बच्चे को कन्विक्ट तो बनाया लेकिन सोसाइटी ने जो उसके साथ किया उसका क्या, दैट हैज ऑल्सो प्लेड द रोल इन सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो जो जो ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है ना जो है, उन लोगों में वो इस टाइप के आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। देखिए वो आप देखिए अब उन्होंने दिया है तो आप उसको मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए कि सच क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया इसलिए है ना क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए कि आपने एज लिमिट को किया है, तो वी विल क्रिएट ए क्राइटेरिया जिसमें हीनियस क्राइम को डिफाइन करेंगे और उसके बाद करेंगे, ठीक है। लेकिन हीनियस क्राइम को डिफाइन करते समय उसके सोशल सर्कमस्टेंसेस को आप चेक कर पाएंगे क्या, कि वैसा करते समय उसकी साइकोलॉजी क्या थी या उसके साथ क्या हुआ, नहीं कर पाएंगे ना। तो इस वाले पॉइंट मतलब इस वाले के साथ कंक्लूड करने का तो मतलब नहीं है। यहाँ पर कंक्लूजन जो है सेटिस्फैक्ट्री अगर कंक्लूजन होगा तो आप यही इसमें कंक्लूजन दे सकते हैं कि आप इस केस में जुवेनाइल जस्टिस वाले में अगर डिक्लाइन अगर मतलब एज तो कर रहे हैं, अगर एज को अगर आपने कम किया है तो ये स्ट्रिक्टली हीनियस क्राइम के लिए यूज होना चाहिए ये क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। एंड इन नियर फ्यूचर सच काइंड ऑफ जो हमारे एक्ट्स हैं चाइल्ड से वुमेन से रिलेटेड, इट मस्ट बी अलाइंड विथ इंटरनेशनल कन्वेंशन एज सच एज लाइक UN, एंड वी शुड मेक एन एफर्ट टू डू द सेम। तो यहाँ पर आपने कह दिया कि आपने वो भी बात कह दी और आप कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में आप कोशिश करिए कि UN कन्वेंशंस को जो है उस प्रिंसिपल्स को अधेयर करें। तो आप नहीं कह रहे हैं, UN जो कह रहा है उसकी आप UN के थ्रू वो बात कह रहे हैं, समझ रहे हैं। इस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से मतलब चीजों को रखना है वहां।
आगे बढ़े सर, जीएम क्रॉप्स को लेकर नीति आयोग ज्यादा थिंक टैंक मतलब जीएम क्रॉप्स को प्रमोट करता है और सरकार उसे मतलब जो नीति नियंत्रण है वो उसे मतलब खारिज कर देते हैं, ठीक है। तो फिर इसके कंक्लूजन में हम कैसे ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं? जो जो प्लानिंग कमीशन है अब तो नीति आयोग हो गया वो, हाँ नीति आयोग है, ठीक है। वो मान लीजिए कि जीएम क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, और सरकार उसे खारिज कर रही है। देखिए इसको खारिज, देखिए खारिज नहीं कर रहे हैं, मतलब जो जीएम वाला है ना वो खारिज नहीं है, डिबेट चल रहा है, डिस्कशंस हो रहे हैं उसके ऊपर। आउटराइटली ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड, इनसफिशिएंट डेटा इज देयर, ये आर्गुमेंट्स हैं कि इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास इनसफिशिएंट डेटा है, तो उसके लिए फर्दर फील्ड ट्रायल्स को प्रमोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अलग अलग लॉबीज काम कर रही है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आउटराइटली जीएम क्रॉप्स को मतलब कि ये जो है हिस्ट्री हो गया, अब कभी भविष्य में हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। उसको बहुत ही मतलब थोड़े तरीके से मतलब स्मॉल मतलब स्टेप्स लेके फील्ड ट्रायल्स करा रहे हैं, बीटी रेंजर का फील्ड ट्रायल्स करा रहे हैं, उस तरीके से डेटा एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट होगा। तो फाइनल जब डेटा आ जाएगा और बिल्कुल ही ये होगा कि इट इज गोइंग टू बी लाइक हार्मफुल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, तो उसके बाद आएगा, लेकिन ऐसा स्टेज अभी डेटा ही नहीं है तो नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है अभी। बढ़े आगे, तो ये क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का एक कंफ्यूजन, ठीक है। रखना सबको है लेकिन कितना किसको महत्व देना है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वहां पर, ठीक है। ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है, दूसरा होता है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, जो हम लोगों ने बात किया था ना कि आइडियाज इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, फ्लो होना चाहिए उनके बीच में, जो मैंने आपको शुरू में बताया था वही है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक का मतलब होता है एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ हो, ऐसा ना लगे कि अचानक से यार ये क्या हो गया, तो वो ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, मतलब लिंक होनी चाहिए। और यहां पर इसको सबसे बेस्ट तरीका है एड्रेस करने का कि जो क्वेश्चन का सीक्वेंस हो ना, जिस तरीके से क्वेश्चंस में चीजें जिस सीक्वेंस में पूछ रही है, उसी सीक्वेंस से अपने आंसर्स को कोशिश करिए अरेंज करने का। इसका मतलब है कि सवाल को ठीक से समझिए, जैसा सुकरात ने बोला था, और समझते ही आधा आपका काम हो गया, उसके हिसाब से फिर अरेंजमेंट करने हैं आपको, ठीक है। दैट इज व्हाट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इज, क्लियर है, मूव करें। चौथा जो डायमेंशन है उसको कहते हैं रियलाइजेशन थ्रू विजुअलाइजेशन। देख के कुछ चीजें जो है, कहते हैं ना कि एक, कई बार कहते हैं कि एक जो पिक्चर होता है इट सेज मोर देन 1000 वर्ड्स, कहते हैं ना कि उसके ऊपर आप एक क्या दो तीन ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें जो देख के समझ में आ जाती हैं बिना लिखे ही, काइंड ऑफ थिंग्स। तो रियलाइजेशन थ्रू विजुअलाइजेशन इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। कहने का मतलब है कि इसका भी एक महत्व है, इस महत्व को भी समझिएगा कि प्रेजेंटेशन भी ना कैरी करता है चीजें। अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब देखिए, जो आपने कंटेंट लिखा है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चरिंग की है, तो आपने किसी तरीके से उस कंटेंट को लिखा है ना, आपने पहले दिमाग में सोचा कि ये है आंसर, में ये चीजें लिखूंगा, उसके बाद जैसे ही आपने लिखना शुरू किया, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो प्रेजेंटेशन है आपका, समझ रहे हैं। यानी कि जो चीजें एक मेंटल स्टेज में थी उसको जैसे ही आपने पेपर पे डाला, दैट इज व्हाट गोइंग टू बी ए प्रेजेंटेशन ऑफ दैट। मतलब वो जो लिख रहे हैं उसके कंटेंट एक अलग चीज है, जिस तरीके से लिख रहे हैं वो प्रेजेंटेशन है, क्लियर हो रहा है। अब ये मुझे बताइए कि किसी भी आंसर को किस किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं वहां पर, जैसा आपने बताया था पॉइंट फॉर्मेट, कुछ लोगों ने कहा था ना पॉइंट या बुलेट फॉर्मेट, और कौन सा तरीका है, पैराग्राफ फॉर्म है, और कोई तरीका, एक टेबुलेशन हो गया, जैसे डिफरेंशिएट काइंड ऑफ क्वेश्चंस में। जैसे मैं एक सवाल देता हूं आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लॉक एंड फोल्डेड माउंटेन्स। कल या परसों हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, एक सवाल है उसमें कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लॉक एंड फोल्डेड माउंटेन्स, तो आप क्या क्या बताएंगे, कंटेंट के लेवल पे कुछ बताएंगे आप कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बताइए एक दो पॉइंट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ब्लॉक और फोल्ड माउंटेन तो समझ रहे हैं ना, हाँ वो
प्रक्रिया से हाँ, एक वलन की प्रक्रिया से है, दूसरा भ्रंश वाली, ठीक है। तो वलन से जो माउंटेन्स बनते हैं और एक भ्रंश वाले प्रोसेस से जो माउंटेन बनते हैं, उनके बीच में क्या अंतर है, अगर ये सवाल आया तो देखिए, आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, टेबुलेशन में भी लिख सकते हैं। देखिए, प्रेजेंटेशन कभी गलत नहीं होता है, ठीक है, बस वो एक प्रकार से अलंकृत अलंकार का काम करता है, मतलब समझ रहे हैं कि आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, ऐसे भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, वैसे भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। लेकिन डिफरेंशिएट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को अगर टेबुलेशन में लिखेंगे तो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है देखने में। जैसे मान लीजिए कि एक टेबल बनाए और कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे इनके डिफरेंसेस होंगे, मतलब कुछ क्राइटेरिया के बेसिस में फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन के बीच में अंतर होगा, है ना। तो वो क्राइटेरिया अगर हम लिख दें यहां साइड में कि सर ये क्राइटेरिया है जिसके बीच में अंतर है, जैसे कुछ जो इनका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होगा, जिस तरीके से बने होंगे दोनों का प्रोसेस अलग अलग होगा, बनने की प्रक्रिया अलग होगी, फिर बन गया तो उनके फीचर्स अलग अलग होंगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे और विश्व में कुछ एग्जांपल्स होंगे, यही चीजें होंगी। तो आप अगर ये तीन चीजें इधर लिख दिए, एग्जामिनर ने तीन वर्ड पढ़ लिया, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये लड़का जो है प्रोसेस के बारे में, फीचर्स के बारे में और एग्जांपल्स के बारे में बात किया है फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन्स में। प्रेजेंटेशन इनहेंस हो गया और उसके बाद आप प्रोसेस बता दीजिए कैसे बना है। दो प्लेट आए, कंप्रेसिव फोर्सेस कहते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव किए और इस प्रोसेस में यहां पर एक प्लेट इधर मूव किया, एक प्लेट इधर मूव किया, बीच वाला प्लेट नीचे गया, तो ये अपने आप ही ऐसा कुछ बन जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, जब दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब इसका जो स्ट्रेस इतना झेल रहा होगा तो ये टूट जाएगा और एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर चला आएगा, तो वो भी ब्लॉक माउंटेन कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेस से बनता है, कंप्रेसिव फोर्सेस से भी बनता है और डाइवर्जेंट प्रोसेस से भी बनता है, लेकिन ये सिर्फ कन्वर्जेंट प्रोसेस से ही बनेगा, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है प्रोसेस, फिर इनके फीचर्स बता दीजिए, फिर वर्ल्ड में मान लीजिए कि हिमालय है, आल्प्स है, एंडीज है, एग्जांपल दे दिए, यहाँ पर आप ब्लैक फॉरेस्ट रीजन है, आपको इंडिया में विंध्याचल माउंटेन है, सतपुड़ा है, इसके एग्जांपल्स दे दिए, तो हो गया आंसर कंप्लीट, समझ रहे हैं। और शुरू में लिख दीजिए द मेजर डिफरेंस बिटवीन फोल्ड एंड ब्लॉक माउंटेन्स आर, ये रहा टेबल, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए, आप अपने पूरे पेपर में 20, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको पैराग्राफ फॉर्म में बेटर सूट कर सकते हैं वहां। जैसे एग्जामिन, एग्जामिन में क्या होता है कि दो तीन आइडियाज आप लेते हैं, है ना, दो तीन की आइडियाज लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, उसके रीजंस लॉजिक्स को एक्सप्लेन एलाबोरेट करते हैं, वहां पर पैराग्राफ फॉर्म सूट करता है। कॉजेस, कंसिक्वेंसेज, पॉजिटिव नेगेटिव्स, पॉइंट फॉर्मेट बेटर सूट करेगा वहां। व्हाट आर द कॉजेस फॉर इट, ये लीजिए तीन चार कॉजेस, कंसिक्वेंसेस ये लीजिए तीन चार कंसिक्वेंसेस, समझ रहे हैं। तो जहां कॉजेज हो, कंसिक्वेंसेज हो, पॉजिटिव्स हो, नेगेटिव्स हो, चैलेंजेस हो, तो वैसे क्वेश्चंस को पॉइंट या बुलेट फॉर्मेट में बेटर एड्रेस किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है यहां पर कि आपका जो क्वेश्चन पेपर, जो आंसर होगा ना, वो ऐसा मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए कि सारे आंसर्स पैराग्राफ फॉर्म में, सारे आंसर पॉइंट फॉर्मेट में, समझ रहे हैं। बेस्ट ऑफ, क्योंकि ये तीन सब, ये सब अलग अलग तरीके हैं प्रेजेंटेशन के, अगर आप समझ लेंगे कि कौन सा आंसर किस चीज के लिए बेटर सूट है, सूट करता है, तो उस हिसाब से यूज करेंगे ना, तो एग्जामिनर भी देखेगा कि यार लड़का बहुत स्मार्ट है, जहां जरूरत पड़ रहा है उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहा है, जहां जरूरत पड़ रहा है पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहा है, समझ रहे हैं। ऐसा भी होगा कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसका एक पार्ट पैराग्राफ फॉर्म में लिखे हो और दूसरा पार्ट पॉइंट फॉर्मेट में लिखे हो, इसकी भी संभावना है। तो आपको वैसा मिक्स करते रहिएगा, सबको यूज करिए अपने पेपर में, सिर्फ मतलब पैराग्राफ फॉर्म भी नहीं, पॉइंट और बुलेट फॉर्मेट, जहां जो जो सुटेबल हो ना वहां उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहां पर? जो क्रिटिकल एनालिसिस वाला है, देखिए क्रिटिकली इवेलुएट, क्रिटिकली एग्जामिन, इन सब का स्ट्रक्चर एक ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बताने के लिए बेस्ट मेरे ख्याल से
कि आपके तीन चार की पॉइंट्स आ जाएं। देखिए इसमें एक चैलेंज जो आता है ना, इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि कई बार हम पॉइंट पॉइंट देखिए बुलेट फॉर्मेट का पर्पज ये है ना, बुलेट फॉर्मेट का पर्पज ये है कि पॉइंट्स जो हमने लिखा है वो विजिबिलिटी, उसकी विजिबिलिटी इनहेंस हो जाए, ये पर्पज है। उसका पर्पज ये नहीं है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ जाएं। मतलब हम जो भी लिखें, चाहे पैराग्राफ फॉर्म में लिखें चाहे पॉइंट फॉर्मेट में लिखें, वो पॉइंट्स जो हैं विजिबल हो जाएं, एग्जामिनर को दिख जाएं, ये पर्पज है। तो अगर ये पर्पज क्लियर है तो ऐसा मत करिएगा कि पता चला कि फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट इंटर रिलेटेड है, मतलब वो गिनने के लिए 6-7 पॉइंट है, लेकिन मतलब कोशिश करिएगा कि जो पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए ना उनको क्लब करके एक बनाएं। ये तो कई बार ये देखा गया है मतलब कि इवेल्युएट करते समय कहते हैं कि दिस टू पॉइंट्स कैन बी क्लब टुगेदर, तो वैसा भी नहीं करना है। मतलब ये सब चीजें, मतलब पॉइंट फॉर्मेट में लिखते समय ये सारी चीजें कॉशियस रहना है हम लोगों को कि अननेसेसरी के पॉइंट्स बढ़ाने का पर्पज नहीं है, पर्पज है कि विजिबिलिटी बढ़ जाए। तो अगर आप अननेसेसरी के पॉइंट्स, तो एक काइंड ऑफ ब्लफिंग है, समझ रहे हैं कि ये बताना चाहते हैं कि 6-7 पॉइंट लिख दिए, वो नहीं है पर्पज। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहां पर? सर दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिक्स करके जैसे मान लीजिए ये है, यही वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए जो हम लोगों ने जीएम क्रॉप्स वाला क्वेश्चन अभी किया, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस द डिफाइन एंड डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ जीएम क्रॉप्स एंड ऑल्सो क्रिटिकली एग्जामिन इट्स इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया, तो पहला वाला पार्ट क्या है, डिस्कस नहीं डिफाइन एंड डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ जीएम क्रॉप्स। तो ये क्या है, आप इवोल्यूशन मान लीजिए फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि कैसे पहली बार कहां आया, फिर इंडिया में कैसे आया, फॉर एग्जांपल ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो भी एक जीएम क्रॉप्स ही है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला पार्ट जो मैंने आपको बताया, इसको पैराग्राफ फॉर्म में बेटर लिख सकते हैं आप, डिफाइन करने के लिए पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे ना, समझ रहे हैं। और उसके साथ इवोल्यूशन को भी अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख दें, तो फर्स्ट वाला पार्ट पैराग्राफ फॉर्म में हो गया और सेकंड वाला क्रिटिकली एग्जामिन इट्स एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें आप पॉजिटिव्स नेगेटिव्स और वे फॉरवर्ड, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब पहला पार्ट पैराग्राफ फॉर्म में और नेक्स्ट टू पार्ट्स जो है वो पॉइंट फॉर्मेट में हो गए। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं वहां पर, मतलब वहां जब आप देखें ना क्वेश्चन तो समझ लीजिएगा कि इस वाले पार्ट को क्या करना है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखूं या पॉइंट फॉर्मेट में लिखूं, नेक्स्ट वाले पार्ट को क्या लिखूं, तो मिक्स करके लिख सकते हैं। और यहां पर मैं एकदम बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से लिखेंगे वहां पर तो गलत नहीं होगा, बस मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये अवेयर रहेंगे ना तो बेस्ट यूज कर सकते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स का एग्जाम में। ठीक है, इल्यूसिडेट का मतलब, इल्यूसिडेट का मतलब है या जस्टिफाई का मतलब है या गिव एग्जांपल्स का मतलब है कि आपको एग्जांपल्स के साथ अपने चीजों को सपोर्ट करना है। डिस्कस एक ऐसा वर्ड है जो ओपन एंडेड है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉजेज भी हो सकता है, कंसिक्वेंसेज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, चैलेंजेस भी हो सकते हैं। अब वहां क्या पूछा है क्वेश्चन के बेसिस पे डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्कस इज ए वेरी ब्रॉड वर्ड। देखिए अगर हम मान लीजिए कि पेरिस क्लाइमेट चेंज जो है उसके जो आउटकम्स हैं उसको डिस्कस करिए, ठीक है, तो आप पहले बताएंगे कि द मेजर आउटकम्स आर दिस, जो भी मेजर आउटकम्स हैं वो बताएंगे आप, फिर इस आउटकम्स नहीं सीधे आप पेरिस क्लाइमेट पर, ठीक है, मान लीजिए कि पेरिस क्लाइमेट पे करिए, तो क्यों हुआ था, मान लीजिए पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ क्यों था, तो उसका पर्पज तो था कि कुछ चीजों को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप लीमा कॉन्फ्रेंस नाम सुने हैं ना 2014 में लीमा कॉन्फ्रेंस में आपने जो नहीं अचीव किया, उससे पहले कतर में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो नहीं अचीव किया उसको अचीव करने के लिए आप यहाँ आए हैं चीजों को लेके, तो क्या आपके वहां पर मेजर जो है आपने अचीव किया वो लिखेंगे, अब उस अचीवमेंट के क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं उसको आप लिखेंगे, यही लिखेंगे ना,
कि मतलब चूंकि ओपन एंडेड है ये क्वेश्चन, तो इसमें सबसे सेफगार्ड वाला तरीका ये है कि उसके वो भी बता दीजिए और उसके बाद उसके वो जो आउटकम्स है उसके इम्प्लीकेशंस भी बता दीजिए। मैं नहीं बताया सकता, जैसे मतलब कई विचार हैं कि हम मतलब जो कुछ विचारक हैं जिनका मानना है कि हमने बहुत कुछ हासिल किया, कुछ का मानना है कि हम मतलब हम वो हासिल नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, पहले तो आप न्यूट्रली बताएंगे ना, पहले आप बताएंगे कि ये चीजें आई उससे पेरिस कॉन्फ्रेंस में। अब ये जो चीजें आई हैं तो कुछ लोगों का जो है मत ये है कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट लाइक राइट, जैसे INDC वाला है वो बहुत डिबेटेबल है कि INDC तो आ गया लेकिन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो गया, जिसमें डेवलप्ड कंट्री के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी था कि उनको एक सेट लिमिट में कम करना है, तो अब तो वॉलंटरी हो गया है ना, तो ये एक उसका काउंटर आर्गुमेंट है। तो आप पहले तो बता दीजिए ये है, उसके बाद फिर जो अपोनेंट्स हैं उनके जो व्यूज हैं इन आउटकम्स के ऊपर, तो कुछ पॉजिटिव्स बता दीजिए, कुछ नेगेटिव्स बता दीजिए, हो जाएगा ये आंसर कंप्लीट। और कुछ अगर हो सकता है तो बताइए, मेरे हिसाब से तो ये होगा। अगर आपके इस पे कुछ और व्यूज हैं तो शेयर करिए ताकि लोग और मतलब उस पे और डिस्कशन हो सके। बताइए, बढ़े आगे। सर ये डायग्राम बेंच से देखिए बना तो सकते हैं, लेकिन टाइम का जो एक फैक्टर होता है ना, तो वहां पर मैं तो कहूंगा कि जो पेन आपके हाथ में है उसी से ही, अभी उस पे भी बात करेंगे हम, कि मतलब कुछ लोग ऐसे चार पांच कलर लेके ऐसे लिखेंगे फिर ये कलर, फिर मतलब इतना मेरे ख्याल से टाइम नहीं रहता है, उसका जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि पर्पज ये है कि चीजें हाईलाइट हो जाएं। ठीक है, हाईलाइट ही नहीं करना है सिर्फ, मतलब चीजें समझ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाईलाइट हो जाए, उनको दिख जाए किसी भी रंग से दिख जाएगा पर्पज उनको कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं, ये है पर्पज। तो आगे बढ़ते हैं, मतलब ये तो मैं बता रहा था कि किस तरीके से आंसर को अप्रोच करना है। तो इन तीन तरीकों से आपने आंसर को अप्रोच किया, इसके अलावा और क्या तरीके हैं जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकता है, और कुछ व्यूज आपके, ये तो तरीके हैं जिससे आप आंसर लिखेंगे, और क्या तरीके हैं जिससे कि आप बेटर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं या प्रेजेंटेशन को इनहेंस कर सकते हैं। देखिए कंटेंट वही रहेगा लेकिन उसके उसको कैसे इनहेंस कर रहे हैं, मतलब कैसे विजिबल बना रहे हैं, और क्या तरीके हैं उसके, क्या तो वो तो कंटेंट हो गया, उसको उसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ वो तो कंटेंट है, अंडरलाइन कर सकते हैं जो आप बोल रहे हैं ना, वो तो आप मतलब सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, वो अपने चीजों को सपोर्ट करने के लिए एक आपने एग्जांपल्स या जो भी की फिगर्स हैं उनका आपने एक स्टेटमेंट दिया, तो वो लार्जली सब्सटेंशिएटिव कंटेंट है, मतलब एक एग्जांपल्स वाला पार्ट है। मैं कह रहा हूँ कि उसको उसकी विजिबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा तो उसका बात करेंगे, आपने जो बात किया वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, इजी वे का मतलब लैंग्वेज है, ठीक है वो लैंग्वेज का पार्ट हो गया। हाँ एक वो भी बात है, अब आप सोच के देखिए कि आपका कॉपी कौन चेक कर रहा होगा वहाँ, 50-55 साल के जो बुजुर्ग होंगे वो चेक कर रहे होंगे, ठीक है बड़ा और मोटा चश्मा दोनों, ठीक है तो बड़ा और मोटा चश्मा लगाए होंगे, तो उनको कष्ट मत दीजिए वहां पर, मतलब कष्ट देने का मतलब है कि इतने फंड साइज इतना छोटा मत कर लीजिए कि उनको पेन हो पढ़ते समय कि यार मतलब बहुत ही गड़ा गड़ा के पढ़ना पड़े, वैसा नहीं। एक अच्छा जो फंड साइज होता है 12-16 का जो आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से उस पर फीडबैक भी मिल जाता है, ज्यादा छोटा लिखेंगे तो हम लोग फीडबैक दे देते हैं उसके ऊपर, तो वो फंड साइज ठीक रखिए ताकि विजिबिलिटी रहे, और स्पेसिंग का भी ध्यान रखिए, मतलब स्पेसिंग करते समय ना ऐसा नहीं कि 3-4 वर्ड ऐसे क्लब हो गए कि मतलब उसमें वर्ड मतलब वो वर्ड सेंटेंस मतलब समझ गए कि पूरा का पूरा 3-4 वर्ड एक वर्ड की तरह नजर आए, तो वो भी मुश्किल होता है थोड़ा समझने में, मतलब उस कॉम्प्रिहेंड करने में मुश्किल होता है। देखिए रिटन जो आप लिख के मुझे दे रहे हैं या जो एग्जामिनर के सामने जा रहा है, तो आप या मैं नहीं जा रहा हूँ, आपने जो कम्युनिकेशन का माध्यम चुना है वो जा रहा है, और आपका कम्युनिकेशन का माध्यम एक रिटन कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा तभी हो सकता है जब आप जो कहना चाहें वो सामने वाला समझ जाए, उसके बीच में अगर बैरियर्स आएंगे और ये एक प्रकार का बैरियर है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा होगा, तो यहाँ पर इन सब चीजों का तो ध्यान रखना ही है। पैराग्राफ को ज्यादा लंबा ना, छोटा छोटा पैराग्राफ, हाँ पैराग्राफ पे भी बात करेंगे, तभी मैंने बोला कि ये तो तरीके हैं
एक प्रकार से. अब इसमें आप अगर प्रेजेंटेशन को फर्दर इनहेंस करना चाहते हैं तो और आप क्या करेंगे, देखिए. एक और जो तरीका है प्रेजेंटेशन इनहेंस करने का वो ये है कि जो कीवर्ड्स हैं आपके आंसर के, जो कीवर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन कर दीजिए. देखिए ये सजेशन इसलिए है कि कुछ लोग पैराग्राफ फॉर्म में अच्छा आंसर लिखते हैं, उनको वो सूट करता है, नेचुरल स्टाइल होता है उनका. लेकिन कई बार क्या होता है कि पैराग्राफ इतने बड़े हो जाते हैं या इतने डेंस हो जाते हैं कि कई बार उसमें तीन चार आइडियाज इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं. तो वैसे सिचुएशन में पॉसिबिलिटी रहता है कि एग्जामिनर से कोई एक आध आइडिया स्किप कर जाए. तो वहां पर बेटर है कि अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहते हैं, पॉइंट फॉर्मेट में नहीं जाना चाहते हैं, तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए. उससे ये होगा कि आपने जो लिखा है ना उसके कीवर्ड्स जो है एग्जामिनर देखेगा, उनको समझ में आ जाएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर ये तीन चार बातें स्टूडेंट ने कही हैं. अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि अंडरलाइन करते करते हम कई बार सोचते हैं कुछ भी अंडरलाइन करने लग जाते हैं, समझ रहे हैं. तो उसमें ये होगा कि एग्जामिनर पढ़ेगा, अच्छा ये, अरे यार ये क्यों अंडरलाइन है. तो कई बार वो जो होगा ना, जो आपने अंडरलाइन किया है वो आपके पर्पस को ही डिफीट कर रहा होगा, क्योंकि जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा और जो नहीं दिखाना चाहिए था वो आपने दिखा दिया. तो उससे भी वहां पर बचना है, मतलब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. तभी मैं शुरू से इसको स्किल कर कह रहा हूं कि धीरे धीरे करते 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 वो जो है आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है अंडरलाइन, क्या नहीं करना है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए हो जाएगा. तो पैराग्राफ फॉर्म में करते समय इन चीजों का ध्यान रखें आप कि कौन से वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, ठीक है. और क्या तरीका हो सकता है. अब इस पैराग्राफ फॉर्म में एक और तरीका है. मान लीजिए कि बहुत लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने का मान लीजिए आदत है, तो कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए कि अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करिए कि पैराग्राफ को थोड़ी छोटी छोटी कर लें. मतलब एक पेज का एक पैराग्राफ ना लिख के एक पेज में दो या तीन पैराग्राफ लिख रहे हैं. तो जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं पैराग्राफ्स के ना, तो उससे भी एग्जामिनर को ये आइडिया लगता रहता है कि एक दूसरे डायमेंशन पे स्टूडेंट बात कर रहा है, ठीक है. तो वो भी एक तरीका है जो है कि जिस तरीके से आप चीजों को, आइडियाज को वैसे रख सकते हैं. और कोई तरीका जिससे प्रेजेंटेशन इनहेंस हो. जी ठीक है, तो अंडरलाइन यूज करिए. तभी मैं कह रहा हूँ ना कि तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जहां जरूरत है, जहां आपको लग रहा है ना कि दो तीन आइडियाज, जैसे आप बोल रहे हो ना कि दो तीन आइडियाज एक जगह आ गए, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है, संभावना है ना कि एग्जामिनर के दिमाग से कोई एक डायमेंशन ना मिस हो जाए. तो वहां पर अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये भी बात हुई है या ये भी बात हुई है. That's why I'm saying कि थोड़ा सा इस पे, मतलब आप कहने का मतलब आप सामने वाले का काम आसान बना रहे हैं, उनके लिए ये काम इतना आसान बना रहे हैं कि he will enjoy like checking your copy. समझ रहे हैं? ये है. अगर आपने अच्छा सटीक आंसर लिखा है और उसके बाद उसको मजा आ जाए तो उससे मजे वाली बात क्या होगी. मतलब that is what they are expecting ना. और कोई तरीका. अंडरलाइन हो गया, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो गए, उसके रीजंस भी हम लोगों ने बात कर लिया. ये बात जो आपने की बड़े अनुभव के साथ आई होगी लग रहा है. और कोई तरीका, और बताइए. आंसर्स लिख रहे हैं तो यूज कर रहे होंगे ना कुछ तरीका है जिससे कि प्रेजेंटेशन. हाँ बताइए. लैंग्वेज में बात करेंगे, लैंग्वेज का पार्ट हो जाएगा. और जहां जरूरत हो मानचित्र बनाना. हाँ फोटो बनाना है, ठीक है. देखिए ये ना, ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा. देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मैं हमेशा यही मतलब कहता हूँ कि अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इंडिया के बारे में, मानसून के बारे में पूछ लिया, तो डायग्राम बेहतर समझा देता है मानसून को. ITCZ दिखा देंगे, नॉर्थ साउथ साउथ वेस्ट मानसून दिखा देंगे, नॉर्थ ईस्ट मानसून दिखा देंगे, समझ रहे हैं. वहाँ ऊपर से जेट स्ट्रीम दिखा देंगे, तो वो सारी चीज़ें पता चल जाएगा कि ये लड़का इन सब चीज़ों को अब फर्दर एक्सप्लेन करेगा. तो वो जो डायग्राम होता है ना, उसका एक अपना एक एसेंस तो है ही, उसकी एक वैल्यू है. लेकिन कई लोग अगर इंडिया का मैप जो है कुछ और नज़र आने लगे तो उससे बचा जाना भी ज़रूरी है. पॉलिटी वगैरह तो कार्टून बना के भी कर सकते हैं.
देखिए कार्टून तो नहीं लेकिन सिमेटिक्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स, मतलब डायग्राम्स वाला पार्ट तो मैंने बता ही दिया, फ्लो चार्ट्स यूज कर लीजिएगा ठीक है। मोदी जी को ज्यादा तंग मत करिए नहीं तो चाय पिलाने लगेंगे वो ठीक है। और इसके अलावा क्या ब्रैकेट्स में एग्जाम्पल्स को ब्रैकेट्स में ना करके जहां आपने एग्जाम्पल लिखा है ना वहां पर उसको अंडरलाइन कर दीजिए ब्रैकेट। हाँ तो वो यूएन को उसमें कोट कर वैसे कर सकते हैं। और कोई तरीका सर ब्रैकेट के बारे में सुनते हैं कि उसको वर्ड काउंट नहीं करते हैं उसको वर्ड। देखिए जैसे क्या होता है ना जैसे मान लीजिए कि पूछा मैं स्मार्ट का नाम सुना है आपने स्मार्ट ईआरसी का रिपोर्ट पढ़ा है उसमें स्मार्ट गवर्नेंस की बात है। क्या है स्मार्ट गवर्नेंस सिंपल मोरल अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। अब अगर मान लीजिए कि अपने आंसर में 3-4 बार स्मार्ट यूज कर लिए फुल फॉर्म में तो सोचिए कितना इरिटेशन होगा समझ रहे सिंपल मोरल अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव ट्रांसपेरेंट फिर 2-3 लाइन के बाद फिर सिंपल मोरल अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव ट्रांसपेरेंट फिर अगले पैराग्राफ में फिर से स्मार्ट। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन के लिए ना क्या करिए कि एक बार ब्रैकेट में एक बार उसको बता दीजिए कि सर ये स्मार्ट का मतलब ये है बार बार मत पूछिए उससे उसके बाद इसी को एक्सेप्ट कर लीजिए आप समझ रहे हैं। तो वैसा करना है आपको वैसा कर सकते हैं क्योंकि जो ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स हो ना तो एक बार शुरू में कर दीजिए उससे आपके वर्ड्स भी बचेंगे टाइम भी बचेगा और उसके बाद फिर आप बढ़िए। और कोई तरीका सर जो पैराग्राफ चेंज होगा वो उसके ठीक नीचे से शुरू होगा पैराग्राफ। हाँ मतलब जो नया फॉर्मेट है उसमें नीचे से भी कर सकते हैं पुराना फॉर्मेट में जो थोड़ा सिखाया जाता है सेवा में और उसके बाद फिर चेंज करके तो वैसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो पुराने फॉर्मेट में थोड़ा सा स्पेस देके सिखाया जाता था नए फॉर्मेट में आप उसके नीचे से भी कर सकते हैं लिख सकते हैं इसको देवनागरी में स्मार्ट लिखिएगा ऐसे इसका 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 लेकिन आप इसको देखिए इस पे मैं मतलब नहीं सोचा हूँ ठीक है इस पे बात करेंगे फिर। अच्छा चीज रेज किया आपने कि यार इसको कैसे देवनागरी में लिखें कि कैसे लिखें ठीक है इस पे थोड़ा मैं और सोचूं। और बताइए अधिकतर जगह तो यही लिख दिया जाता है देवनागरी में लिखे मैं लिखे। मतलब मैं अपनी तरफ से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट श्योर बाद में चर्चा कर लेंगे इस पे। आई एम लाइक देखिए मैं वही चीज कहूंगा जो कि आई एम श्योर अबाउट इट तो ये मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं मतलब आप लोग इतने सारे लोग हैं मिसगाइड हो सकते हैं ना मतलब मैं बोला लिख दिया पता चला कि वहाँ एग्जामिनर अच्छा लिखे अभी बताता हूँ तो ठीक है। इसके अलावा कोई और तरीका देखिए यूपीएससी जो सवाल पूछ रहा है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं सब पार्ट के लिए सब हेडिंग नहीं बना सकते हैं आप हर पार्ट के लिए एक हेडिंग बना दिए अंडरलाइन कर दिए उसके बाद उस चीज को लिखे फिर दूसरे पार्ट के लिए दूसरा हेडिंग बना दीजिए फिर लिखे फिर तीसरे पार्ट के लिए एक और हेडिंग बना दिए फिर लिखे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या। इसका मतलब है कि हेडिंग सब हेडिंग भी यूज करना चाहिए आंसर्स में ठीक है। मतलब ये आपके ना ये तरीका जो हेडिंग सब हेडिंग है ना ये एक तरीके से आपको ऐसा कहेगा कि मतलब एग्जामिनर को एकदम क्लैरिटी दे देगा कि क्वेश्चंस के 3 डायमेंशन है और मुझे पता है कि 3 डायमेंशन है और मैं तीनों डायमेंशन को टच कर रहा हूं तो वो हेडिंग्स आपको वो मतलब उसको एग्जामिनर को बताने के लिए काफी है कि द बॉय और द गर्ल हैज टच्ड ऑल द 3 डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन। अब उसका कंटेंट जो भी हो लेकिन आपने टच कर दिया है समझ रहे हैं तो वो एक प्रकार से आपकी आपका एनहेंसमेंट हो गया कि उसके लिए आसान हो गया काम। और कोई तरीका प्रेजेंटेशन एनहेंस करने का हेडिंग सब हेडिंग
जैसे मैंने पूछा, छोटे जोत वाले फैमिली फार्म जो कि प्रकृति अनुकूल व गरीबों तथा महिलाओं हेतु सहायक होते हैं, सदाबहार क्रांति को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसमें आप बताइए कि कैसे सदाबहार क्रांति जो है प्रकृति अनुकूल होगी। फिर ऐसा लिख दिए, प्रकृति अनुकूल कैसे है, 4-5 पॉइंट। गरीबों के लिए कैसे हितकर है, तो गरीबों के लिए हितकर करके अंडरलाइन किए, फिर पॉइंट्स बता दिए। महिलाओं के लिए कैसे हितकर है, अंडरलाइन किए और उसके बाद बता दिए। तो आपने तीनों डायमेंशन को टच कर दिया और हेडिंग सब हेडिंग भी बन गई। हाँ ठीक है, और बताइए और कोई तरीका जिससे प्रेजेंटेशन इनहेंस हो सके। अगर कम से कम टाइम में करना हो तो पॉइंट फॉर्मेट यूज करिए। उसका रीजन ये है कि कहीं से भी शुरू और कभी भी खत्म कर सकते हैं इस सेंटेंस जो है ना, मतलब आप पूछे हैं तो मतलब बता रहा हूं कि सेंटेंस इनकम्प्लीट करके भी खत्म कर सकते हैं उसको, तो वहां पर एक स्कोप होता है। उसके अलावा सिमेटिक्स का, फ्लो चार्ट्स का आप यूज करते हुए भी कर सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन क्राइसिस आ जाए तो ये सब चीजों से मतलब जल्दी से आंसर्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, चले आगे। ठीक है, कोई इन्वर्टेड कॉमा ये सब तो उसके लिए होता है कि जब कोई कोट कर रहे हैं किसी को, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो वैसे सिचुएशन में आप करते हैं। सर, कोट करते हैं तो उसे अंडरलाइन करना चाहिए। कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कंप्लीटली हाँ, ये पहला चेंज कर दो। कौन सा? नहीं, देखिए वो इन्वर्टेड कॉमा वाला अलग से तो कोई पैराग्राफ नहीं बनेगा ना, वो कोई स्टेटमेंट लिखते लिखते कि इन्होंने भी ये कहा था, वो तो कंटिन्यूएशन में होता है, जनरली कंटिन्यूएशन में होता है। मतलब किसी चीज को सपोर्ट करते हुए उस बात को भी जोड़ के आप कहते हैं, ये है। ये हो गया प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका मतलब है प्रेजेंटेशन के लिए आप पैराग्राफ फॉर्म, पॉइंट फॉर्मेट, टेबुलेशन, इनमें से किसी तरीके से चीजों को लिखने का प्रयास करते हैं, डिपेंड करता है एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्ट पैराग्राफ्स ताकि पॉइंट्स विजिबल हो, अंडरलाइन कर सकते हैं कीवर्ड्स को। ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग्स यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं तो वहां हेडिंग सब हेडिंग्स विल हेल्प यू कि एग्जामिनर को दिख जाए कि ऑल द थ्री डायमेंशंस आई हैव, और जितने भी डायमेंशंस हैं वो टच हो जाए। इन सारे तरीके से प्रेजेंटेशन इनहेंस हो जाता है। ठीक है, लास्ट जो डायमेंशन है वो है लैंग्वेज। इसमें दो बातें हैं, देखिए ज्यादा नहीं है इसमें कुछ खास सेलिब्रेट करने के लिए, इस पर बस आप लोगों को करना है। एक तो है कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जो आपने सेंटेंस बनाया ना उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ अनर्थ नहीं। ठीक है, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए वो सेंटेंस। कई बार क्या होता है ना, देखिए होता है कई बार क्या है कि हम जो कन्वे करना चाहते हैं ना तो वो मैसेज हमारे उस सेंटेंस से जाता नहीं है। मतलब हमको लगता है कि हम लिख दिए लेकिन कई बार वो कन्वे नहीं हो पाता है, वो आइडिया ही पूरा नहीं जाता है। तो उस चीज को ध्यान रखना है कि सेंटेंस फॉर्मेशन मीनिंगफुल रहना चाहिए। अब जैसे मैंने जो आपको पॉइंट फॉर्मेट मतलब बताया ना कि वैसे सिचुएशन में वैसा करना चाहिए, तो एब्रप्टली खत्म करने का ये मतलब नहीं है कि सेंटेंस का मीनिंग ना बने, समझ रहे हैं? तो एक तो सेंटेंस फॉर्मेशन मीनिंगफुल होना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसका क्राइटेरिया है वो है चॉइस ऑफ वर्ड्स। शब्दों का जो चुनाव है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ आपको डेफिनेशनल वर्ड्स उसमें डालने पड़ते हैं, है ना। जैसे ज्योग्राफी है उसके अंदर डेफिनेशनल वर्ड्स आएंगे। मॉनसून जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, आईटीसीजेड, एल नीनो, ये वाला जो है इनसो, ये सब चीजें अगर उनको होंगी तभी जाके वो अपने आप में वो आंसर पूरा बनेगा ही। सोसाइटी में भी कई सारे ऐसे जो हैं, जब तक आप जैसे मान लीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं कि तो क्या क्या रीजंस है कि वुमेन एम्पावर्ड नहीं है देश में, तो उसमें आप कैसे बोलेंगे कि उसके लिए पेट्रियार्क या पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब इस टाइप के वर्ड्स उसमें मतलब विजिबल हो जाएंगे। वो शो करता है कि आपका उस टॉपिक पे पकड़ है, समझे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जो वर्ड्स होंगे ना वो बहुत ज्यादा ऑप्शनल स्पेसिफिक, जिसको कहते हैं कि मतलब बहुत ही टेक्निकल हो जाए और वो एक जर्नलिस्ट को समझ में ना आए। जर्नलिस्ट को समझ में आए, एट द सेम टाइम वो जो कॉन्सेप्ट है उसको एटलीस्ट होलिस्टिकली एड्रेस करते हो। चॉइस ऑफ वर्ड्स का मेरा मतलब ये है। ठीक है, क्लियर है? तो ये मोर और लेस जो है राइटिंग स्किल्स के जो डिफरेंट डायमेंशन हैं उसके मैंने सारे पैरामीटर्स आपको जो है डिस्कस कर लिया आपके साथ। अब अगर कोई सवाल है तो बताइए।
लैंग्वेज में इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। देखिए लैंग्वेज का तो मैं जैसे देवनागरी वाला जो है ना उसमें आप कुछ कुछ वर्ड्स जैसे स्मार्ट है, स्मार्ट का हिंदी कुछ है नहीं तो उसको देवनागरी में ही लिखना पड़ेगा स्मार्ट, है ना। तो ऐसे देवनागरी में सर लिखना जरूरी है, स्मार्ट लिख दिया। अब ये मैंने बोला ना ये मुझे मतलब इस वाले पॉइंट पे थोड़ा मेरा मतलब मुझे नहीं पता है कि क्या ऐसा करते हैं कि नहीं। कुछ का तो हिंदी में मीनिंग ही उसका अजीब ही रहता है, उसको इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे कुछ मैं जो साइंटिफिक वर्ड्स है ना साइंटिफिक वर्ड्स का तो मुझे ये पता है कि साइंटिफिक वर्ड्स को इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज है ना उसको हिंदी इंग्लिश के हिंदी में मतलब जो इंग्लिश में जो है उसको देवनागरी में आप लिख सकते हैं, वहां तक तो है। लेकिन ऐसे करके क्या जो नॉर्मल जो यूजेज वाले वर्ड्स हैं उसको भी इंग्लिश वाले वर्ड्स को देवनागरी में लिखना कहाँ तक मतलब पर्याप्त है, मतलब कहाँ तक वो यूजफुल है, उसका पर्पस सॉल्व करता है ये। सर मेरा कहने का मतलब जैसे कीबोर्ड को देवनागरी में नहीं, नहीं तो ये तो टेक्निकल वर्ड है ना, तो कीबोर्ड को कीबोर्ड इंग्लिश में लिख सकते हैं, लैंग्वेज जो इंग्लिश का। अच्छा देवनागरी में ना लिख के उसको इंग्लिश में लिख दें, इंग्लिश में। अच्छा ये भी नहीं पता है सर, उसमें इंस्ट्रक्शन तो होता है कि जिस भाषा में आपके प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के ऊपर लिखा रहता है कि जिस भाषा जो भी माध्यम आपने चुना है उस भाषा में आप लिखे, ये तो लिखा है तो उसमें कीबोर्ड लिख दीजिए, हिंदी में ही लिख दीजिए ना कीबोर्ड। कीबोर्ड लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है मतलब मुझे नहीं लगता कि दिक्कत है।